तो नमस्कार, क्वालिफायर नंबर टू मुकाबला यहाँ पे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन टू का यहाँ पे आगाज होता हुआ। एक तरफ है वो टीम जो एलिमिनेटर मुकाबला जीत करके पौड़ी राइजिंग स्टार पहुंची है, और दूसरी टीम वो जो क्वालिफायर नंबर वन मुकाबले में हार कर पहुंची है क्वालिफायर नंबर टू मुकाबले के लिए, पिथौरागढ़ पैंथर्स। जी हाँ, पिथौरागढ़ पैंथर्स ने टॉस जीता और पहले किया है क्षेत्र रक्षण का फैसला। यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पौड़ी राइजिंग स्टार्स को। मुकाबला रोमांचक यहां पर होगा ये, क्योंकि पिथौरागढ़ पैंथर पहले हारी है, तो इस बीच में इस मुकाबले में जीतने की कोशिश करेगी पूरी। तो साथ ही पहली टीम जो कि फाइनल में पहुंच चुकी है वो है चमोली चैलेंजर्स इस मुकाबले के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है उत्तराखंड प्रो लीग सीजन में फाइनल जीतने वाली टीम को प्राइस जो मनी दी जाएगी वो 8 लाख की प्राइस यहाँ पर है, और सेकेंड रनर अप रहेगी जो 5 लाख का प्राइस उसे मिलेगा। साथ ही इस बार उत्तराखंड प्रो लीग में आकर्षण का केंद्र रहेगी वो रहेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जी हाँ, जिसे मिलेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो अचीव करेगा उस खिलाड़ी को मिलेगी एक मोटरसाइकिल, और साथ ही बेस्ट बैट्समैन को मिलेगा 25,000 का प्राइज और बॉलर्स को मिलेगा 25,000 का प्राइज जो सबसे अच्छा रहेगा। पौड़ी राइजिंग स्टार्स की प्लेइंग 11 की बात करेंगे। अभिषेक लेफ्टी, विशाल चौबे हैं, रवि कोहली, राय सिंह, नीरज कुलोरा, अजित मोहिते, शौकत अली, अमर सिंह, आलोक यादव, राकेश सिंह शाही और मनीष कुमार। प्लेइंग 11 जो पहले एलिमिनेटर मुकाबले में थी वही यहां रखी गई है, कोई चेंज नहीं है। पिथौरागढ़ पैंथर्स की बात करेंगे, कैप्टन हैं धर्मेंद्र खुलिया, सचिन शर्मा, अनुराग संस्कार, आकाश चौहान, फिरोज हैं, मोहम्मद अरशद और राजेश है, सचिन तोमर, संदीप यादव हैं, शुभम के और निखिल सानन। तो ये प्लेइंग 11 है। मैच अभी यहाँ पर शुरू होता हुआ, दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर पहुँच चुके हैं। मैदान पर ओपनिंग करने के लिए यहाँ स्ट्राइक पे हैं वही खिलाड़ी जो इससे पहले था भी, हाँ, राकेश शाही, और उनके साथ हैं नॉन स्ट्राइकिंग इन वो खिलाड़ी जो पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच है शौकत अली। बल्लेबाजी यहां पर दोनों ही के द्वारा यहां पर, और पहला ओवर यहां पर लेकर हैं। पहली गेंद और पहली ही गेंद पर यहां पर विकेट मिली है जो कि बेहतरीन यहां पर, और अनुराग को मिली है ये पहली विकेट। क्लीन वॉट यहां पर राकेश शाही आउट होते ही पैवेलियन लौटते हुए, इस बार भी कुछ खास नहीं कर पाए। पिछली बार यहां पे बात की जाए तो बड़े अच्छे रनआउट का शिकार हुए थे इस बार, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी। देखिए ये, देखिए पैरों के नीचे से निकलकर सीधे जाकर लगी विकेटों पे, और ये शानदार बॉल और उसका शिकार हो गई पहली गेंद पे राकेश शाही आउट होते हुए बिना खाता खोले। बढ़िया बॉल यहां पे, जबरदस्त गेंद दी थी। पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम जो कि दावेदार है प्रबल इस प्रतियोगिता की, शुरुआत तो अच्छी कर दी है। अनुराग यहां देखिए स्पीड से बीट हुए यहां पे, क्या बढ़िया ये बिल्कुल ओवर द ओवर पिच बॉल ये था, और इसको खेलने की कोशिश थी यहां, कदमों को बांध दिया यहां पे। ये देखिए पैरों के बीच से यहां पर निकल गई ये गेंद बिना खाता खोले, यहां पे विकेट लेने में रहे कामयाब। मनीष कुमार आए हैं नए बल्लेबाज जो कि आउट होने के बाद राकेश के, शौकत अली अभी भी नॉन स्ट्राइक इन पे खड़े हैं। यहां पर पहली बॉल पर खाता खोला है मनीष ने। मनीष पिछले एक एलिमिनेटर मुकाबले में उतना अच्छा यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बैटबाजी जरूर अच्छी की थी उस पर, लेकिन यहाँ अभी पहली गेंद पर खाता खोल करके शुरुआत की है। और यहाँ इसी बीच टीम पौड़ी राइजिंग स्टार्स का भी यहाँ पर खाता खुला है। यहां रुक कर वेट किया, यहां पर प्लेस किया कवर के फील्डर के पास, मौका बढ़िया थ्रो था ये भी, एक रन लिया यहां पर और अपना खाता खोला है पहली गेंद पर शौकत अली ने। तीन गेंदों पर 2 रन, 1 विकेट, पहली विकेट बहुत जल्दी यहां पर खोई गवा दी यहां पे राकेश राही के रूप में।
पौड़ी राइजिंग स्टार की शुरुआत पिछले मैच में भी उतनी अच्छी नहीं रही, यहाँ विकेट जल्दी गिरी, यहाँ पे भी गिरी। और एक तरफ छोर पिछले बार शौकत अली बढ़िया खेल रहे थे, यहाँ पर बल्ला घुमाया लेकिन स्पीड और हाइट से बीट हो गई। यहाँ पे चार गेंदों पे दो रन एक विकेट। यहाँ पे बढ़िया प्लेस, पॉइंट की फील्डर ने फील्ड करेंगे, एक रन और मिलेगा। दो रन पर पहुंच चुके हैं मनीष कुमार भी और स्कोर जा पहुंचा है तीन पे पौड़ी राइजिंग स्टार के पहले ओवर में। पहली बॉल पर विकेट यहां पे मिली तो उससे थोड़ा प्रेशर यहां पे बनता हुआ टीम पौड़ी राइजिंग स्टार पर शुरुआत में। लेकिन पिथौरागढ़ पैंथर्स ने यहां पे इलेक्ट की फील्ड टॉस जीतने के बाद। शौकत अली वही अंदाज और वही फॉर्म यहां पर जो एलिमिनेटर मुकाबले में वो छोड़कर गए थे। यहां पे पहली यहां पर खाता खोला था लेकिन यहां पर आखिरी गेंद पे ये लाजवाब ऑन साइड पे सिक्स मार दिया। वाओ क्या जबरदस्त यहां पे फ्लो बैट का पावर कितनी बढ़िया जनरेट की, ये देखने लायक था शॉट। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे, एक ओवर में 9 रन एक विकेट यहां पर मिली है टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स को। अनुराग ने एक ओवर 9 रन एक विकेट, तो थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली यहां पर अभी की जा रही है। और बात करेंगे शौकत अली की तो तारीफ जितनी करी जाए उतना कम, क्योंकि जिस तरह से पिछले मैच में बैटिंग की अब यहां पे भी और अच्छा यहां पे कर रहे हैं। दो गेंदों पे 7 रन यहां पे मिले हैं। इस बार दूसरा ओवर यहां पर लेकर आ रहे हैं बल्लेबाज राजेश मसूरी, इनसे राजेश बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर आए हैं, गेंदबाजी करने के लिए आए सॉरी। और स्ट्राइक पे हैं यहां पे मनीष। तो दूसरे ओवर की पहली गेंद ये ऑफसम के थोड़ा सा बाहर और डॉट बॉल से शुरुआत यहां पे की है राजेश ने। बढ़िया बल्लेबाज के रूप में भी राजेश ओपनिंग करने के लिए आते हैं, बल्लेबाजी में भी पिथौरागढ़ पैंथर्स के सबसे अहम खिलाड़ी के रूप में अभी तक पूरी लीग में प्रतिभाग यहां पर किया है इस खिलाड़ी ने। और पिथौरागढ़ पैंथर्स के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी इनका रहा। ये बल्ला घुमाया यहां पे हवा में गेंद यहां पे और पहली विकेट राजेश की और दूसरी विकेट ये है पौड़ी राइजिंग स्टार की गिरती हुई। ये देखिए बल्ला घुमाया यहां पे, बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और ये आसान सा कैच यहां पे। तो पहली डॉट दूसरी गेंद पे यहां पे विकेट लेने में कामयाब रही। तो पिथौरागढ़ पैंथर्स की टीम ने बढ़िया यहां पे शुरुआत कर दी है, क्योंकि पिथौरागढ़ जिले की बात करेंगे तो पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है अपना उत्तराखंड का, जहां काली नदी, गोरी नदी, सरयू नदी, रामगंगा ये तमाम नदियां वहां से निकलती हैं। अगर बात करेंगे हिमालयी क्षेत्र की तो सबसे खूबसूरत पहाड़ हिमालयी क्षेत्र जो है पंचाचुली पिथौरागढ़ में ही है। बिरती फॉल की बात करेंगे पिथौरागढ़ के, और छिपला केदार की अगर बात करेंगे, धारचूला मुंशियारी की बात करेंगे, तो ये तमाम पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में है। और लेकिन अगर पिथौरागढ़ की अगर बात करेंगे तो पिथौरागढ़ का जो पुराना जो पौराणिक नाम है वो है सोर घाटी, और सोर का मतलब है सरोवर। और जी हाँ पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई अड्डा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उड़ान वहां से अभी तक नहीं हुई, लेकिन उत्तराखंड के लिए तमाम सुविधा वहां पर अभी है और काफ़ी हवाई
यात्रा के थ्रू भी यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पिथौरागढ़ तक है अभी, जो हल्द्वानी से या फिर देहरादून से आप हेलीकॉप्टर के द्वारा आप यात्रा के लिए जा सकते हैं। वो पिथौरागढ़ शहर, चंडक का मंदिर यहाँ, ध्वज का मंदिर यहाँ पे, और शिखर भनार का मंदिर माँ बाराही। और हम बात करते हैं डीडीहार क्षेत्र की, तो मलयनाथ स्वामी का मंदिर है वहाँ पे, घड़ालीनाग देवता का भी मंदिर है। बहुत बेहतरीन जगह है पिथौरागढ़ पूरा जिला। ये देखिए यहाँ पे अच्छी बॉल ये, और स्टंप के ऊपर से निकल गई यहाँ पे, बिल्कुल जी हाँ, सूर्य मंदिर डीडीहार से थोड़ा आगे थल से ऊपर यहाँ मवानी की साइड को पड़ता है, बिल्कुल चौबाटी माड़ में। हाँ बिल्कुल, हाँ ये आपने सही कहा, क्योंकि घोड़पट्टा से ऊपर को जब जाते हैं तो वहाँ पे सूर्य भगवान का मंदिर वहाँ है, थल है, थल में। और बात करेंगे पाताल भुवनेश्वर की, तो बहुत ही पौराणिक जगहों से भरा हुआ है पूरा पिथौरागढ़ जिला। और ये बहुत ही ऊंचा शॉट और डिस्टेंस भी तय की है यहाँ पे अजीत मोहिते का लाजवाब ये शॉट, और इसी के साथ यहां पर 6 रन मिले यहां। इस शॉट के साथ ही यहां पे 15 रनों पर पहुंच चुकी है टीम अजीत मोहिते। यहां पे 2 रन बना, 2 गेंदों पर 6 रन यहां पे बनाए हैं अजीत मोहिते ने। यहां पर शॉट ऑफ लेंथ गए, दो हो, क्या शॉट है भैया, दर्शनीय फलातून शॉट ये अजित मोहिते के बल्ले से निकलता हुआ लाजवाब। सिर्फ देखते जाइए, निहारते जाइए, उत्कर्ष बैंक छक्का है ये, बहुत ही लंबा छक्का ये, फ्लो बहुत बढ़िया था, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी, बिल्कुल मिडिल किया बैट के ये, और लाजवाब ये शॉट। 21 रन यहां पर बना चुके हैं अभी तक टीम पौड़ी राइजिंग स्टार्स। आखिरी गेंद यहां पे दूसरे ऊपर की फेंकी जानी बाकी है। अंतिम जो विकेट मिली थी मनीष कुमार के रूप में, पहली विकेट राकेश शाही के रूप में मिली, उसके बाद अजीत मोहिते आए, और शौकत अली अभी बहुत बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं एक छोर से। यहां पर भी अच्छी शॉट यहां भी मिलेगा, यहां पर भी अमर उजाला चौका देकर जाएगी ये शॉट। डी फाइन लेग के फील्डर वहां पर था नहीं, फाइन लेग के फील्डर के पास कोई मौका यहां पे रोकने का नहीं, और ये अंतिम गेंद पे चौका, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन और 2 विकेटों के नुकसान हुए पौड़ी राइजिंग स्टार्स। तो पौड़ी राइजिंग स्टार्स की टीम 25 रन बना चुकी है 2 ओवर की समाप्ति के बाद, 2 विकेटें यहां पर जरूर खोई है, और ये 10-10 ओवर का फॉर्मेट है उत्तराखंड प्रो लीग का। और इस प्रो लीग के इस सीजन में जो 4 पूल बनाए गए थे, 6 टीमें उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गढ़वाल रीजन से बनाई गई थी, तो 12 टीमों के बीच और तीन टीमें एक पूल पर रखी गई थी, 4 पूलें, और जो भी पूल टॉप करेगी टीम, तो 2 टॉप करने वाली पुल की टॉप टीमों के बीच में आपस में मुकाबले हुए क्वार्टर फाइनल, और उसके बाद जो भी टीम ने पुल को टॉप किया उन्हें मौका मिला, जहां पर जो टॉप टीम के बीच में जो क्वार्टर फाइनल मुकाबले हुए वहां जो 2 टीमें जीती पिथौरागढ़ और चमोली, उन्हें क्वालिफायर 1 खेलने का मौका मिला। क्वालिफायर 1 में अगर हार भी गई तो फिर यहां पर क्वालिफायर नंबर 2 खेलने का मौका मिला, क्योंकि अपने पुल को टॉप करके जो वरीयता हासिल की थी उसका फायदा वहां क्वालिफायर नंबर 1 मुकाबले में मिला, और यहां वही पिथौरागढ़ पैंथर्स को मिल रहा है वो मौका, और पौड़ी राइजिंग स्टार से वो यहां पर कर रही है सामना। 2 ओवर की समाप्ति, 25 रन, 2 विकेटें, शॉट ऑफ लेंथ गए यहां पे, और यहां धर्मेंद्र खोलिया यहां पे बढ़िया बैकअप किया। एक रन यहां पे मिला शौकत अली को, अब स्ट्राइक पे अजीत मोहिते हैं, 26 रन यहां पे बन चुके हैं अभी तक, 3रा ओवर यहां पे चल रहा है। बहुत ही शानदार शॉट ये,
लाजवाब इस बार भी उत्कर्ष बैंक छक्का यहां पर देकर जाएगा ये शॉट, और अजित मोहिते हैं यहां पर जो तीन शानदार सिक्सेस लगा चुके हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया यहां पे कमाल की शॉट ये थी, बिल्कुल इस बार आगे की तरफ खेल दिया, और बिल्कुल देखिए कमेंट्री बॉक्स के बगल में जो प्लेयर डगआउट है वहां पर जाकर गिरी है, एक तरह से स्वैग से स्वागत किया है। ये ऑफ स्टंप की तरफ की गेंद यहां पर हल्का गए थे एक बार अजित मोहिते यहां शॉट खेलने के लिए, लेकिन इरादा बदला यहां। पहली तीन गेंदों पे 7 रन आ चुके हैं, सचिन शर्मा है गेंदबाज। यहां पर भी ये छोटा गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकल गई पड़ने के बाद, और स्कोर है जा पहुंचा इस अतिरिक्त के साथ 33 रन। इस बार भी छोटा बॉल यहां पे मिस हिट हुई है, कैच लेने के लिए गए और 1 2 3 4 5, लेकिन फिर भी कैच करने में रहे कामयाब। यहां पर सचिन शर्मा अपने फॉलो थ्रू में यहां पर आउट होने वाले खिलाड़ी हैं 6 गेंदों पे 22 रन बना करके अजित मोहिते। सचिन ने पकड़ा, बढ़िया कैसे था, देखिए किस तरह से आउट हुए, देखिए अच्छा टाइम नहीं कर पाए, बल्ला हाथ से थोड़ा सा घुमा ऊपरी किनारा, सचिन ने यहां पर हल्का फंबल भी हुए एक बार, लेकिन सचिन ने अंतिमतः यहां पे तीसरे अटेम्प्ट पे ये कैच पकड़ ही लिया। तो विकेट गिरी यहां पे 3 और 33 के स्कोर पर तीसरा ओवर ये चल रहा है, और अब आए हैं नए खिलाड़ी जो कि अजित मोहिते के आउट होने के बाद मैदान पर जा रहे हैं। और अभिषेक लेफ्टी देहरादून के ही रहने वाले हैं अभिषेक, और अच्छे युवा खिलाड़ी हैं, और देखते बल्लेबाजी भी करते हैं, वैसे मूल रूप से एक अच्छे गेंदबाज के रूप में टीम में चयन हुआ है उनका, लेकिन जो बॉलर ऑलराउंडर के रूप में एक बेहतरीन कंट्रीब्यूट करते हैं टेनिस क्रिकेट के इस तरह के फॉर्मेट में। आप ही देखते किस तरह से यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाते हैं अभिषेक लेफ्टी। रन जरूर यहाँ पे बोर्ड पर दिखाई दे रहे, लेकिन विकेटें भी 3 गिरी हैं जिसमें अजित मोहिते की बड़ी विकेट भी है। ओवर की 2 गेंदें अभिषेक यहां पे, और स्ट्राइक पे अभिषेक लेफ्टी करेंगे पहली गेंद का सामना। ये बहुत बढ़िया गुड लेंथ का गेंद यहां पे, अच्छी गेंद ये, और बीट हुए स्पीड से सचिन शर्मा जो कि अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया कैच लिया, तो हौसला थोड़ा सा बढ़ता हुआ उनका। और आखिरी गेंद अब इस तीसरे ओवर की यहां पे अभिषेक लेफ्टी है स्ट्राइक पे। यहां बेहतरीन शॉट ये, वाह क्या बात है, फाइन लेग के फील्डर के ऊपर से इसे गजब का शॉट ये 4 रनों के लिए खेल दिया, अमर उजाला चौका मिलता हुआ। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यहां पर टीम पौड़ी राइजिंग स्टार्स की, पिथौरागढ़ पैंथर्स अभी फिलहाल विकेटें लेने से खुश तो जरूर होगी, 3 विकेटें ले चुकी है, लेकिन जो रन गति यहां पर है वो निराशा यहां पर थोड़ा सा, क्योंकि 12 की रन रेट से ऊपर से यहां पर रन बना रही है पौड़ी राइजिंग स्टार्स की टीम। जैसे मैंने पिथौरागढ़ जिले का आपको बताया कि इतना खूबसूरत जिला पिथौरागढ़ है, जहाँ पर पौराणिक स्थल बहुत सारे हैं, और एक बेहतरीन शहर पिथौरागढ़ जो कि मिनी कश्मीर भी जिसे कहते हैं, और पर्यटक सीजन में पर्यटक काफ़ी लोग जाते हैं, और जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है ना वो पिथौरागढ़ से ही शुरुआत होती है उसकी,
और जाकर फिर कैलाश मानसरोवर तक जाती है जो पिथौरागढ़ जिले में ही आता है। और इसके बाद हम थोड़ा सा पौड़ी जिले की बात करेंगे। पौड़ी जिला एक आयताकार नुमा जिला है, 7 जिलों से उत्तराखंड के जुड़ता हुआ है पौड़ी जिला और पौराणिक स्थलों से भरपूर पौड़ी जिला। तो पौड़ी राइजिंग स्टार टीम प्रतिनिधित्व कर रही है पौड़ी जिले का। चौथा ओवर यहां पे पहली गेंद और ये बहुत ही शानदार फील्डिंग यहां पे। संदीप यादव हैं गेंदबाज यहां पे, पहली गेंद पे यहां पे अच्छा शॉट यहां लगाया लेकिन बढ़िया फील्ड वहां पे की, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब यहां पे फील करने में कामयाब रहे, वरना ये 4 रन देकर जाती टीम को। 2 रन जरूर यहां पे मिले हैं, शौकत अली है बल्लेबाज, 4 गेंदों पर 10 रन बना करके स्ट्राइक पे। ये भी पिछले गेम में हमने देखा कि किस तरह से पिछला एलिमिनेटर मुकाबला यहां पे खेला था शौकत अली ने, और हेलीकॉप्टर शॉट मारने की स्पेशलिटी अगर पूरे टूर्नामेंट में किसी खिलाड़ी में अभी तक हमने देखी तो वो शौकत अली है। दो गेंदें अभी तक हो चुकी हैं इस ओवर में, 3 रन अभी तक आए हैं। संदीप यादव गेंदबाज हैं, अभी से एक लेफ्टी अभी सामने स्ट्राइक पे। ये गुड लेंथ का बॉल यहां पे बढ़िया ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ गई, विकेट कीपर बहुत अच्छी तरीके से यहां पे अपना काम कर रहे हैं बखूबी। ये क्वालिफायर मुकाबला है दूसरे नंबर का, जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंच जाएगी। चमोली चैलेंजर्स पहली टीम बन चुकी है जो कि फाइनल में पहुंची है। और 4 गेंदें हो चुकी हैं, ये 2 डॉट बॉल यहां पे, 40 पौड़ी राइजिंग स्टार 40 रन बना चुकी है यहां पे, करंट रन रेट जो है वो 10.91 के हिसाब से भी रन बना रही है। संदीप यादव अभी 2 गेंदें इस ओवर की शेष यहां पे फेंकेंगे। ये स्कूप खेलने की कोशिश यहां पर थी लेकिन डॉट बॉल, 3 लगातार डॉट बॉल यहां पे हो चुकी हैं। 5 गेंदें हैं अभी तक इस ओवर में और आखिरी गेंद यहां पे चौथे ओवर की। यहां देखना होगा क्या ये विकेट मिलेगी। जी हां बिल्कुल, बहुत बढ़िया यहां पर कैच किया फील्डर ने और एक चौथी विकेट यहां पे गिरती हुई पौड़ी राइजिंग स्टार्स की। अभी से एक लेफ्टी है, यहां पड़ने के बाद बॉल बाहर की तरफ आया, उच्चा अच्छा कनेक्शन नहीं यहां पे भी और ये बहुत अच्छा यहां पर सचिन तोमर ने लिया ये कैच। यहां पे चौथी विकेट यहां पे गिरी है संदीप यादव को, यहां पे आखिरी गेंद पे मिली है सफलता। 4 ओवर समाप्त यहां पे, 40 रन और 4 विकेट के नुकसान पे। तो पिथौरागढ़ पैंथर ने इस बार थोड़ा सा वापसी यहां पे कर ली है, पूरे मैच में थोड़ा वापसी कर ली है।
चलिए मैच है फिर से एक बार शुरू, पांचवें ओवर यहां पर किया जाएगा। सचिन शर्मा यहां अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। यहां पहली गेंद से यहां पर चकमा दिया है, इस बार थोड़ा नीची रही है बॉल, ऑफ स्टंप से बिल्कुल करीब से निकली। शौकत अली यहां पर बल्लेबाज है, और अभिषेक के आउट होने के बाद यहां पर नए बल्लेबाज जो आए हैं मैदान पर वो हैं आलोक यादव। यहां फिर से रिवर्स में खेलने की कोशिश, यहां बहुत तेजी से यहां पे बल्ला घुमाया था, अगर यहां कनेक्शन होता तो ये जाती बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। यहां पिछले बार जिस तरह ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे, थोड़ा सा यहां उतना नहीं अभी कनेक्ट हो पा रही है गेंद बल्ले से, लेकिन इंटेंस साफ है कि वो जब भी चाहेंगे तब सिर्फ और सिर्फ आक्रामक ही खेलेंगे। आठ गेंदों पर 12 रन बनाए हैं और अभी फिलहाल 4 ओवर 3 गेंदें यहां पर हुई है, स्कोर हो चुका है 41, 4 विकेटें गिरी हैं। पिथौरागढ़ पैंथर्स के इस ओवर में अभी तक मात्र 1 रन यहां पर मिला है। यहां अच्छा उछाल लेती हुई ये बाउंसर से बीट किया है, यहां पे शकत माफ कीजिएगा आलोक यादव है अभी स्ट्राइक पे, और देखते हैं कि कितना ये बचे हुए 5 ओवर 2 गेंदों पर यहां पे करती है पौड़ी राइजिंग स्टार से स्कोर। ये भी बहुत बढ़िया कलेक्ट यहाँ पे, बेहतरीन कलेक्ट यहाँ पे, और बहुत ही बेहतरीन बॉल यहाँ पे। इस ओवर में मात्र 1 ही रन अभी मिला है, 5 गेंदें हो चुकी है, अभी ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर फेंकी जाएगी, लेकिन एक रन मात्र इस ओवर में मिला है। बहुत बढ़िया किफायती ओवर यहाँ पे, इस बार फिर बल्ला घुमाया है यहां पे और बिल्कुल डॉट बॉल यहां पे ओवर होगा समाप्त यहां पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पे टीम पौड़ी राइजिंग स्टार्स। तो जैसा पहले लग रहा था कि 12 के रन रेट से ऊपर से रन बना रही थी पौड़ी राइजिंग स्टार्स, लेकिन इससे पहले 4थे ओवर में काफी अच्छा अंकुश लगाया यहां पर, और अभी 5वें ओवर में मात्र दिया है 1 रन सचिन शर्मा ने, और यहां अब 5 ओवर समाप्ति पे 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पे टीम पौड़ी राइजिंग स्टार। शौकत अली खेल रहे 8 पे 12 बना के 3 बॉलों पर अभी तक खाता नहीं खुला है आलोक यादव का। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर बात करेंगे तो अनुमानित स्कोर है 82 रन बन सकते हैं यहां पे, पिछला विकेट गिरा अभिषेक लेफ्टी का जो कि 6 बॉलों में 4 रन बनाए थे उन्होंने। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट, देखते जाइए और आनंद उठाइए इस खिलाड़ी के क्लास का, इस खिलाड़ी की काबिलियत का। शौकत अली क्या गजब का यहां पे ये शॉट है, देखिए 9 गेंदों पर 18 रन। मैंने पहले ही कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे लाजवाब वो खिलाड़ी जो अगर इतना शानदार और क्लीन हेलीकॉप्टर शॉट खेल सकता तो वो ये है शौकत अली। रुद्रपुर उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के बेहतरीन खिलाड़ी में शुमार। हल्का सा ऑफ स्टंप की तरफ में चहलकदमी यहां पे की, इस बार भी काफी तेजी से यहां पे बल्ला घुमाया, डॉट बॉल से वापसी यहां पर संदीप यादव की। आज हल्की हवा भी यहां पे भी चल रही थी और अभी भी थोड़ी थोड़ी हवा यहाँ है अभी, और मौसम की बात करेंगे आज हल्की धुंध है आसमान में। ये बहुत ही शानदार यहां पर ये भी मैक्सिमम के लिए जाएगी और उत्कर्ष बैंक छक्का देके जाएगी लाजवाब शॉट। ये देखिए ऑफ स्टंप की तरफ में हल्का सा कदम बढ़ाए और इस बार फिर खेल दिया लेग साइड की तरफ में और मैक्सिमम देकर गई है शॉट। उत्तराखंड प्रो लीग का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये उत्तराखंड के टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है यहां पे, और एक सोच लीग ओनर डीबी चंद सर की जो कि
फाउंडर चेयरमैन भी हैं इस टूर्नामेंट के। एक बार फिर यहां पे हेलीकॉप्टर शॉट का शानदार यहां पर नमूना दिखाया है। अब तो हर कोई इनकी इस अदा का दीवाना हो गया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि क्यों अपनी ही तरह जीने का मैं अंदाज छोड़ दूं, इस अंदाज के सिवा मेरे पास है ही क्या। बेहतरीन शॉट ये, यहां पर भी वही स्टाइल और वो ही हेलीकॉप्टर शॉट। शौकत अली 12 गेंदों पर 30 रनों की बेहतरीन पारी यहां पे। क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर, पिछले ओवर पिछले मैच में भी यहां पे अच्छी गेंदबाजी करके मैन ऑफ द मैच यहां पर ले गई। 12 गेंदों पर यहां पे भी 30 रन यहां पर बना लिए हैं, और अब यहां पे 59 के स्कोर पर पहुंच चुकी है पौड़ी राइजिंग स्टार्स। यहां फील्डर है वहां पे, बढ़िया फील्ड यहां पे करेंगे। एक रन यहां पर लिया और इस ओवर में मिल चुके हैं 19 रन यहां पे। काफी महंगा ओवर ये है अभी संदीप यादव का। पिछला ओवर काफी अच्छा गया था, एक विकेट लेने में भी कामयाब रही अपने पहले ओवर में, लेकिन यहां पे शौकत अली के वो 3 शानदार सिक्स की बदौलत ये ओवर काफी बड़ा यहां पे 19 रनों का ओवर यह हो चुका है। अभी 13 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी यहां पे। आलोक यादव ने अपना खाता नहीं खोला था यहां पर, लेकिन ये बॉल देखकर जाएगी मैक्सिमम उत्कर्ष बैंक, छक्का। इनसाइड आउट लाजवाब, बेहतरीन शॉट ये 6 रनों के लिए यहां पे, और अपना खाता छक्के से ही खोला है अभी आलोक ने। 3 गेंदों पे कुछ नहीं बने थे, 4 गेंदों पे 6 रन बना लिए हैं, और 66 पे पहुंच चुकी है पौड़ी राइजिंग स्टार्स। 6 ओवर की समाप्ति, 66 रन और 4 विकेटों की नुकसान पे पौड़ी राइजिंग स्टार्स, जो सबको कैद करते हैं कैमरे में अभी वो हैं बिल्कुल हमारे सामने में, दीपक भाई हमारे कैमरा पर्सन। बड़ा खुशमिजाज चेहरा, डैनी की तरह लगते हैं, इनकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव है और काफी हैंडसम पर्सनालिटी है, और पूरे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में जो कंट्रीब्यूशन पूरी टीम का है, बात कर रहे थे हम लीग ओनर फाउंडर चेयरमैन डीवी चंद सर की, एक अच्छी सोच के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को वो लेकर आई उत्तराखंड में, क्योंकि जैसे कि महाराष्ट्र में हो गया, चेन्नई हो गई, केरला हो गया, कलकत्ता में बहुत अच्छी अच्छी क्रिकेट की लीग होती हैं, तो क्यों ना उत्तराखंड में भी एक प्रोफेशनल लीग की जाए और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को दिया जाए गाँव खेत खलिहान से स्टेडियम तक के लिए उनको मौका। तो ये एक सोच उनकी और बिल्कुल धरातल पर यहाँ पर सही होती हुई। जितने बढ़िया हमने अभी देखे कि प्रो प्लेयर आइकन प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनके मुताबिक यहाँ पे लोकल बॉयज भी काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। अगर आइकन प्लेयर का आपने कमाल का खेल देखा है, तो लोकल प्लेयर ने भी यहाँ पे काफ़ी हवाई शॉट खेले हैं, जो कि शौकत अली अभी आप बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट में इनको महारत हासिल है जैसा मुझे देखने को मिल रहा है। उधम सिंह नगर के रहने वाले हैं शौकत, रुद्रपुर में ये रहते हैं, और जिस तरह के हेलीकॉप्टर शॉट इन्होंने खेले हैं, इनकी जो काबिलियत है अभी बिल्कुल पूरी दुनिया देख रही है। तो 13 गेंदों पे 31 रन यहाँ बनाए हैं, तो इस तरह के स्टार प्लेयर हर एक टीम से हमें मिल रहे हैं। इसी टीम में एक नीरज कुलोरा हैं, जो कि अच्छे बल्लेबाज के रूप में अभी हमने बात की थी, विशाल चौबे जो कि बिल्कुल लोकल बॉय हैं, और ये सब वो हैं जो उत्तराखंड के गाँव खेत खलिहान से खेल कर यहाँ पहुँचे हैं। पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम में हमने देखा कि जिस तरह पिथौरागढ़ के बहुत अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी जो हमारे उत्तराखंड के ये अच्छी गेंद यहां पे, और यहां पर निखिल सानन ने पहली ही गेंद पर यहां पर अपील हुई है, और बिल्कुल यहां पे विकेटों के बिल्कुल सामने पाए गए, LBW आउट यहां पर दिए गए वो खिलाड़ी जो इनफॉर्म प्लेयर थे। और बिल्कुल 14 गेंदों पर 31 रन बना करके आउट होते हुए शौकत अली, जानते हैं कि बिल्कुल
विकेटों के सामने आ गए थे, बीट हुए, अच्छी स्पीड से बीट हुए यहाँ पे निखिल शानंद को। पहली बॉल पे यहाँ पे मिली है विकेट और वो भी शौकत अली की। तो 66 के स्कोर पे पांचवीं विकेट यहाँ पे गिरी है। सातवां ओवर अभी चल रहा है, एक रन अभी, एक बॉल सातवें ओवर की यहाँ पे हुई है। और मैं उत्तराखंड के उन खिलाड़ियों की बात, पिथौरागढ़ की बात करेंगे, पिथौरागढ़ में भी हमारे उत्तराखंड के काफी खिलाड़ी अभी आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निखिल सानन के इस ओवर ने यहां पे कमाल कर दिया। यहां पर देखिए बिल्कुल शरीर की तरफ ये बॉल की थी और बैकफुट पे गए, इतना अच्छा शॉट नहीं था और विकेट कीपर ने यहां पे कोई गलती नहीं की। तो छठी विकेट यहां पर गिरी है, दो विकेट यहां पर इस ओवर में ले चुके हैं निखिल और बहुत ही बढ़िया, सबसे सफल दो ओवर यहां पे पिथौरागढ़ पैंथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिथौरागढ़ पैंथर्स की टीम ने जिस तरह से कुछ एक मैच ओवर से पहले ऐसा लग रहा था कि अब यहां पे थोड़ा और पकड़, अभी पौड़ी राइजिंग स्टार्स कर रहे हैं, शौकत अली के अच्छे अच्छे शॉट्स देखने को मिल रहे थे, लेकिन निखिल सानन के आते ही यहां पर पौड़ी राइजिंग स्टार के रनों पर रफ्तार तो लगी लेकिन विकेटें भी यहां पर गिर रही हैं। अभी मात्र एक रन यहां पे इस ओवर में, दो रन सॉरी एक रन माफ कीजिएगा, दो विकेटें यहां पर ली हैं, तीन गेंदें भी हुई हैं और बहुत बढ़िया यहां पे जो शुरुआत की ओवर की अभी तक बिल्कुल उसी रिदम में यहां पे निखिल गेंदबाजी यहां कर रहे हैं। और नीरज कुलोरा आए हैं अब बल्लेबाज, नीरज कुलोरा पोलार्ड। यहां हवा में है गेंद, यहां पे पहली गेंद पे खतरा, ये और ये जीवन दान मिला और चौका मिलेगा क्या जी नहीं, लेकिन यहां रोक तो जरूर दिया, जीवन दान मिल गया यहां पे, काफी भाग्यशाली यहां पर रही। एक दफा के लिए लग रहा था कि बिल्कुल आसानी से कैसे यहां पर हो जाएगा और बहुत कुछ यहां पे होता हुआ। निखिल सानन के इस ओवर में दो विकेटें गिरी और इस पे देखे क्या हुआ, ये बिल्कुल लेग स्टंप की तरफ में था बॉल, ये ऑन साइड पे खेल दिया था इसे और बहुत ऊपर थी ये बॉल और कैच ड्रॉप यहां पे हुआ। लास्ट अबाव शॉट यहां पे रवि कोहली का उत्कर्ष बैंक छक्का मिलता हुआ यहां पे और कमाल का ये शॉट देखिए, बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ यहां पे इस शॉट को खेला। 76 रनों पर पहुंच चुकी है पौड़ी राइजिंग स्टार्स की छक्के के साथ ही। निखिल सानन के ऊपर में विकेटें मिली जरूर, यहां पे 10 रन भी आ चुके हैं और फुल टॉस गेंद यहां पे और ये गई सीधा लेग स्टंप की तरफ और ये वाइड बॉल का सिग्नल अतिरिक्त मिला है। 11
रन आ चुके हैं इस ओवर से, दो विकेटें भी यहाँ पे मिली, लेकिन एक मौका मिला था अभी यहाँ पे कैच आउट करने का नीरज कुलरा ने जो शॉट खेली थी। और जो शॉट ये खेल रहे हैं वो कमाल, एक बार फिर एक और बढ़िया शॉट यहां पर रवि कोहली का, और लाजवाब उत्कर्ष बैंक छक्का यहां पर लगता हुआ। ये देखिए बिल्कुल उसी अंदाज में यहां पर इन, और बहुत बढ़िया यहां पे इनसाइड आउट शॉट और सीधा 6 रन मैक्सिमम के लिए जाती हुई। बढ़िया टेनिस क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं रवि कोहली, 3 गेंदों पर 13 रन यहां पर बना चुके हैं। और अब बैटिंग पावर प्ले यहां पे प्रारंभ हो चुका है, यहां पे 8वां ओवर अभी फेंका जाएगा 7 ओवर की समाप्ति के बाद, 83 रन 6 विकेटों के नुकसान पे यहां पे एक बार फिर यहां रवि कोहली की दमदार पारी ने जो कि 3 गेंदों पर 13 रन यहां पर बनाए हैं, तो उसकी बदौलत यहां फिर से एक बार जो रन गति है वो बढ़ चुकी है पौड़ी राइजिंग स्टार्स के लिए। 3 ओवर अभी बाकी हैं, 4 विकेटें अभी हाथ में हैं, गेंदबाज 8वां ओवर अनुराग हैं गेंदबाज नए जो गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं 8वां ओवर। यहां ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल थी और यहां पर फिर कैच ड्रॉप यहां पर हुआ है, लगातार 2 ओवर में 2 कैच ड्रॉप यहां पर कर दिया, और यही पिछले ओवर में भी हुआ जहां पर कैच ड्रॉप होने के बाद में थ्रो किया वो मिसफील्ड हुआ, 1 रन ही मिलना, पहले तो विकेट मिलनी चाहिए थी, फिर 1 रन मिला लेकिन फिर उसको फील्ड में मिसफील्ड करने के बाद एक और रन ले लिया, यहां भी 2 रन ले लिए। ये देखिए ये कैच ड्रॉप हुआ, आगे काफी टफ था ये वैसे कैच, उतना आसान नहीं था, राजेश थी वहां पर कैच कर रहे थे, थ्रो किया फिर एक और रन मिला, 2 रन मिले पहली गेंद पे। इस गेंद पे मिला 1 रन और अभी शुरुआती 2 गेंदों पे मिल चुके हैं 3 रन यहां पे 8वां ओवर अभी चलता हुआ यहां पे रवि कोहली थी 3 गेंदों पे 13 रन खेल रहे हैं बनाकर, और नीरज कुलोरा की अगर बात करेंगे तो 3 गेंदों पे 6 रन बनाए हैं। फिर एक बार रवि कोहली हैं स्ट्राइक पे, छोटा गेंद पटका हुआ गेंद यहां पे, और ये 1 बाउंस का यहां पे सिग्नल दिया है, पहली बाउंसर ये इस ओवर की, डॉट बॉल जरूर ये है लेकिन एक बाउंसर के तौर पर यहां पे हल्का सा रवि कोहली को गलती कराने के लिए यहां पे कि कैच अगर उछलता रहे तो विकेट लेने के चांस यहां पर बनाते हुए दिख रहे हैं राजेश। यहां अच्छी रनिंग, बढ़िया रनिंग यहां पे, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे, क्या चौका मिलेगा? जी हां बिल्कुल चौका मिलेगा यहां पर, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर अमर उजाला चौका मिलता हुआ। ये देखिए यहां पर मौका था यहां पे फील करने का, ये मिस फील हुई और उसके बाद चौका भी मिला, तो 90 रन पर पहुंच चुकी है पौड़ी राइजिंग स्टार्स। यहां मौका एक बार फिर बना था लेकिन खिलाड़ी से काफी आगे ये बॉल इंपैक्ट हुई, रवि कोहली यहां पे 5 गेंदों पे 17 रन बनाकर सिंगल यहां पे लिया। और उत्तराखंड पावर प्रो लीग का ये दूसरा क्वालिफायर मुकाबला हम देख रहे हैं जहां पर फाइनल में पहुंचने के लिए अभी फिलहाल पहली इनिंग आप देख रहे हैं, 91 रन बन चुके हैं यहां पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर और वाइड बॉल का सिग्नल।
ओवर की आखिरी गेंद यहां पे आठवें ओवर की, 92 रन अभी तक बन चुके हैं यहां। ये बिल्कुल विकेटों पर ये बॉल थी, यहां अच्छा खेला है रवि कोहली ने, यहां पे एक रन यहां पर लिया और स्ट्राइक अपने पास यहां पर नीरज ने खेला, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। जहां नीरज की बात करेंगे, चार गेंदों पर 7 रन बनाए हैं, 8 ओवर की समाप्ति हुई, 93 रन बने 6 विकेटों के नुकसान पे यहां पे, और 6 पे 18 रन बनाए हैं रवि कोहली ने। आकाश चौहान की यहां पर गेंद और ये मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि ये फील्डर के ऊपर से 6 रन मिलते हुए नीरज कुल्लूरा पोलार्ड, ये पावर देखिए क्या गजब की यहां पर पावर जनरेट की है, और लाजवाब उत्कर्ष बैंक छक्का लगता हुआ नीरज कुल्लूरा के बल्ले से, उम्दा बल्लेबाजी। फिर यहां पर बढ़िया शॉट और फिर बैक टू बैक दूसरा छक्का यहां पर लगाते हुए नीरज कुल्लूरा पोलार्ड, कमाल, बैक टू बैक दूसरा सिक्स। उत्तराखंड नैनीताल जिले से करते हैं रिप्रेजेंट, और हल्द्वानी, ग्रेटर हल्द्वानी गोलापार से इनका है नाता, और इस प्रो लीग के सीजन में अगर बात करेंगे तो ये बी कैटेगरी के खिलाड़ियों के रूप में यहां पर इस लीग में परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया कंट्रीब्यूशन। 2-6 यहां बॉडी की तरफ में यहां पर, और ये 100 शॉट खेलने की कोशिश थी, यहां क्या 4 रन मिलेंगे यहां पर ओवर थ्रो के, जी हां, जहां कोई रन नहीं मिलना था वहां एक रन जरूर यहां पे मिला। थोड़ा सा हड़बड़ाहट यहां पर दिखाई दे रही है टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स की तरफ से, जहां तो 9 ओवर की 3 गेंदें यहां पर हो चुकी हैं। यहां पर भी बहुत ऊपर गई है ये बाउंड्री लाइन के करीब, अपने आप संतुलन बनाते हुए फील्डर, और ये क्या भैया, ये कैच होना चाहिए था, यहां विकेट मिलनी चाहिए थी, हाथ ऊपर लगकर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, और 6 रन मिलता हुआ यहां पे। एक 112 रन यहां पे बन चुके हैं पौड़ी राइजिंग स्टार्स के, 8 ओवर 4 गेंदे भी हुई है। यहां पर फिर मौका, फिर सेक्स यहां पे, और फिर ये बहुत ही बढ़िया उत्कर्ष बैंक छक्का लगता हुआ, 4 छक्के यहां पर लग चुके हैं इस ओवर में, तारीफ ये कमाल की, वाह क्या चमक अपनी बिखेरी है यहां पे इन दोनों ही खिलाड़ियों ने, 2-2 सिक्सेस लगा चुके हैं इस ओवर में, और यहां पर फिर से रवि कोहली यहां पे, अंदाज इनका जुदा है और हर कोई इसलिए इन पर फिदा है, 5वां छक्का यहां पर लगता हुआ इस ओवर का, और इस ओवर की समाप्ति पे 31 रन यहां पर आए हैं, और सबसे महंगा ओवर यहां पर यह साबित हुआ, और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 124 रन,
अभी तक का सबसे बड़ा यहां पे टारगेट मिल चुका है, क्योंकि 124 रन इससे पहले मिला था टारगेट, अब 125 इस ओवर पर हो चुका है, और जो भी रन यहां पे जुड़ेंगे अंतिम ओवर में वो एडिशनल होगा, वो एक तरह का बेनिफिट होगा पौड़ी राइजिंग स्टार्स के लिए। बिल्कुल, रवि कोहली काफी बढ़िया यहां पर खेल रहे हैं, 9 गेंदों पर 36 रन यहां पर बनाए हैं, 400 के स्ट्राइक रेट से यहां पर रवि कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या आक्रामकता है, 9 गेंदों पर 27 रन, 7 पे 19 रन बना के दीपक करोरा पोलार्ड यहां पे बढ़िया, बहुत ही शानदार खेल का परिचय यहां पर, क्या गजब की हरफनमौला पारी यहां पर खेल रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी। पौड़ी राइजिंग स्टार ने यहां पे पूरी तरीके से निशब्द कर दिया है पिथौरागढ़ पैंथर्स को, क्योंकि जहां पिथौरागढ़ पैंथर्स ने यहां पे टॉस जीतने के बाद में यहां पर फील्डिंग का फैसला किया था, तो यहां जहां स्कोर बोर्ड पर देख करके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी आज सबसे बड़ा टारगेट यहां मिलने वाला है पिथौरागढ़ पैंथर्स को। आखिरी 6 गेंदें यहां पर फेंकी जानी बाकी, दोनों ही फॉर्म बल्लेबाज हैं नीरज कुलरा, रवि कोहली यहां पे मैदान पर धमाल मचाते हुए यहां पे क्वालिफायर नंबर 2 मुकाबला है, जो टीम जीतेगी वो फाइनल में यहां पर चमोली चैलेंजर से भिड़ेगी। यहां पर क्या है लाजवाब शुरुआत, यहां पर अंतिम ओवर की पहली गेंद पर यहां पर छक्के से की है शुरुआत, और यो खिलाड़ी है नीरज कुलरा पोलार्ड, खुशबू है उत्तराखंड की धरती की बिल्कुल, और ये वो खिलाड़ी हैं जो उत्तराखंड प्रो लीग में छाने के लिए कर रहे थे पूरे साल भर से इंतजार। पहली बॉल पर यहां पर बहुत बढ़िया छक्का यहां पर लगाया ये खिलाड़ी, हम है दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जहां निकलते हैं वहीं रास्ते बना लेते हैं। ये बहुत ऊपर यहां पर, और व्हाइट का सिग्नल यहां पर जरूर मिलेगा, क्योंकि यह बिल्कुल व्हाइट था, और अतिरिक्त यहां पर मिली, एक ही गेंद हुई है, 7 रन यहां पर दे चुके हैं, स्कोर दा पहुंचा 131 रन, और पहला बाउंस ये बहुत ऊपर बॉल यहां पे, और बहुत कुछ यहां पे घटता हुआ इस ओवर में, बीमर था ये कंधे से भी ऊपर यहां पे, और इसी के साथ ये नो बॉल का सिग्नल, और एक अतिरिक्त रन यहां पर और मिलता हुआ, गेंद हुई है 1 और 8 रन आ चुके हैं पहली गेंद पे, तो स्कोर हो चुका है 132 रन, सॉरी माफ कीजिएगा 33 रन, एक दौड़ करके भी रन यहां पर लिया और एक नो बॉल के रन भी यहां पर ऐड होगा। यहां फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाई रवि कोहली, वैसे बहुत अच्छे शॉट यहां पर लगा रहे थे, लेकिन ये फ्री हिट था, कोई मौका यहां पर नहीं था आउट होने का, सिर्फ रन आउट आप हो सकते हैं, और बढ़िया वापसी यहां पर की गेंदबाज ने निखिल सानंद, जो कि पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था निखिल का, लेकिन इस बार पहले ही बॉल पर 6 रन और उसके बाद में वाइट फिर नो, यहां पर भी बहुत बढ़िया शॉट यहां पर, ये इस बार अलोंग द कार्पेट शॉट ये, और लाजवाब अमर उजाला चौका मिलता हुआ रवि कोहली, क्या गजब की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है रवि कोहली की। और रवि कोहली की अगर इंडिविजुअल बात करेंगे तो वो बना चुके हैं 6 गेंद यहां पे, और इससे पुल कर दिया, लेकिन इस बार मौका है विकेट लेने का, और रवि कोहली की विकेट आखिरकार यहां पे मिली, और रवि कोहली यहां पर 12 गेंदों के सामना करने के बाद 40 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल करके आउट हुए, लेकिन अपनी टीम को पहुंचा गए एक ऐसे स्कोर पर जो उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का सबसे बड़ा टारगेट यहां पर मिल चुका है, 137 रन बने, अभी 2 गेंदें शेष है, अभी तक का
सबसे ज्यादा स्कोर ये 137 रन, 7 विकेट जरूर गिरी है, लेकिन जो रन गति है वो रुकने नहीं दी। विकेट जरूर गिरी लेकिन रन को रुकने नहीं दिया यहाँ पे। और तो अब आए हैं यहाँ पे विशाल चौबे। विशाल चौबे यहाँ पे स्ट्राइक पर रहेंगे। निखिल एक बार फिर विशाल चौबे को, विशाल चौबे भी अच्छे शॉट लगाते हैं और यहाँ पर ये फील्ड हुए, एक रन यहाँ पर मिला। अब नीरज कुलोरा की बात करेंगे, 9 गेंदों पर 26 रन। तो करीब करीब 300 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर रन बना रहे हैं नीरज कुलोरा भी, पोलार्ड उत्तराखंड के टेनिस क्रिकेट के दमदार खिलाड़ी, अपनी पावर के लिए जाने जाते हैं। और जिस तरह से ये अपने क्षेत्र के जो गांव खेत खलिहान से स्टेडियम तक अगर है तो वो इन जैसे खिलाड़ियों के लिए ये मंच बड़ा। अंतिम गेंद में यहां पर कोशिश, यहां धर्मेंद्र जब तक फील्ड करेंगे, एक रन यहां पर मिलेगा और रन आउट जरूर यहां पर हुए। तो 138 रन विकेट मिली आखिरी बॉल पर, यहां पर रन आउट के रूप में विकेट मिली है। तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर रन आउट विशाल हुए हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद 139 रन 8 विकेट के नुकसान पर। तो टीम पौड़ी राइजिंग स्टार ने उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का सबसे बड़ा स्कोर यहां पे बना दिया है, 139 रन बनाए 10 ओवर की समाप्ति पे। और अब जीतने के लिए पिथौरागढ़ पैंथर को खेलना होगा, धमाकेदार 140 रन का टारगेट यहां पर दिया है। और लाजवाब यहां पे बल्लेबाजी पौड़ी राइजिंग स्टार की तरफ से दीपक, जो कि सुरेश राणा पांडे हैं टीम पौड़ी राइजिंग स्टार्स के टीम ओनर, और अपनी टीम की परफॉर्मेंस से जिस तरह की खुशियां यहां पर सुरेश पांडे जी के चेहरे पर मैं देख रहा हूं वो काफी कमाल की। और साथ ही अब चेस करना होगा, मुश्किल हालात यहां पर हैं, एक अच्छा रन चेस यहां पर देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़ पैंथर्स अगर कुछ अच्छा करती है तो यहां पर पिथौरागढ़ पैंथर्स के खिलाड़ियों का धमाल देखने को मिलेगा, क्योंकि 140 रन अगर बनाने हैं तो तेज तर्रार पारी खेलनी होगी, धर्मेंद्र को बढ़िया खेलना होगा और बाकी खिलाड़ी जो उनके हैं उनके द्वारा भी अच्छा खेल करके बढ़िया परफॉर्म करना होगा, क्योंकि पिथौरागढ़ पैंथर्स को 140 का टारगेट पार करना है। बात करेंगे यहाँ पे पौड़ी राइजिंग स्टार की, तो बल्लेबाजी बहुत अच्छी यहाँ पे देखने को मिली, शौकत अली वाह बिल्कुल एंटरटेनिंग मैन, यहाँ पे 14 गेंदों पे 31 रन बनाए। यहाँ राकेश सिंह ने बनाए एक गोल्डन डक, एक बार फिर वो क्लीन बोल्ड हुए। मनीष कुमार यहाँ पर 5 गेंदों पे 2 रन बनाए। अजित मोहिते ने यहाँ पर बहुत अच्छा संभाला था, देखिए 7 गेंदों पर 22 रन बनाए। यहाँ पे अभिषेक लेफ्टी यहाँ पे 6 पे 4 बनाए। आलोक यादव की बात करेंगे तो 5 पे 6 बनाए, लेकिन इस खिलाड़ी का कोई जवाब नहीं। अगर 140 का टारगेट मिला है तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी की परफॉर्मेंस लाजवाब रही। रवि कोहली 12 गेंदों पे 40 रन और नीरज कुलोरा जो छुपे रुस्तम निकले, आज तक इंट्रोडक्शन नहीं था लेकिन आज पूरे टेनिस क्रिकेट में अपना इंट्रो करा दिया है इन्होंने इस पारी से। 10 गेंदों पे 27 रन नीरज कुलोरा पोलार्ड ने। विशाल चौबे जो कि नॉट आउट रहे, एक ही गेंद का उन्होंने सामना किया और 139 रन यहां पे बनाई टीम ने। और बॉलिंग एनालिसिस की अगर बात करेंगे तो ये क्वालिफायर नंबर 2 मुकाबले में पिथौरागढ़ पैंथर्स की बॉलिंग अनुराग संसार ने 2 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लिया। राजेश ने 1 ओवर 16 बहुत खर्चीले रहे, 1 रन 1 विकेट यहां पे मिला, माफ कीजिएगा। सचिन शर्मा 2 ओवर में 13 रन 1 विकेट। संदीप यादव यहां पे 2 ओवर 28 रन 1 विकेट। निखिल सानन विकेटें जरूर ली लेकिन सबसे महंगे साबित हुए यहां पे, 2 ओवर में 32 रन और 3 विकेटें जरूर ली। आकाश चौहान 1 ओवर, और यहां पर सबसे महंगा ओवर जो रहा वो ये रहा, 1 ओवर 30 रन यहां पर जो आकाश चौहान के लगे, उसकी बदौलत यहां पर 139 रन बनाए और टारगेट मिला 140 रन का।
उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है उनके लिए सुनहरा मौका। खेले जो खेत खलिहान में, अब देखेंगे उनके हुनर को सब क्रिकेट के मैदान में। इस बार समूचे उत्तराखंड, एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं उत्तराखंड प्रो लीग के सीजन 2 के। और हमारे बीच आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर जयवीर सिंह नेगी जी हमारे बीच में हैं। और उत्तराखंड प्रो लीग के आज के मुकाबले के लिए आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में मिस्टर जगजीवन कन्याल, जो कि प्रेसिडेंट हैं और आदरणीय फाउंडर चेयरमैन डीपी चंसर से मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर जयवीर सिंह नेगी जी को हमारे डाइस पर लेकर आएंगे। और हमारे बीच इस प्रतियोगिता में पहुंच करके आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर जयवीर सिंह नेगी जी ने हम सभी को अनुग्रहित किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। और दो शब्द इस प्रतियोगिता के लिए, जो कि पूरे टूर्नामेंट में ये प्रतियोगिता का एक अलग सा आगाज़ हमें देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया, और जहाँ पर 12 टीमों में से अब ये फाइनल मुकाबला, और यहाँ पे जो टीम जीतेगी वो पहुँचेगी फाइनल में। और मैं निवेदन करूंगा कि मोमेंटो भेंट किया जाएगा आदरणीय जगजीवन कन्याल जी और हमारे डायरेक्टर जगजीवन कन्याल और चेयरमैन आदरणीय डीबी चंसर के हाथों से ये उत्तराखंड प्रो लीग का। आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर जयवीर सिंह नेगी जी हमारे बीच हैं। थैंक यू सो मच सर हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचने के लिए और हमारे इस उत्तराखंड प्रो लीग को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो नमस्कार, अब क्वालिफाई नंबर 2 मुकाबले के लिए हम यहां पर पहुंच चुके हैं। 140 रनों की जरूरत है यहां पे पिथौरागढ़ पैंथर्स को जीतने के लिए। पौड़ी राइजिंग स्टार्स ने क्या धमाकेदार बल्लेबाजी यहां पर की, और तारीफ करनी होगी शौकत अली और रवि कोहली की, जिनके लाजवाब बल्लेबाजी की बदौलत 139 रन बनाने में कामयाब रही पौड़ी राइजिंग स्टार्स। और अब 140 के टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी है यहां पर टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स। क्या आज एक पैंथर की दहाड़ देखने को मिलेगी, या फिर पौड़ी राइजिंग स्टार्स एक राइजिंग टीम की तरह निकलेगी इस उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में? देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मैं साथ अपने साथी कमेंटेटर के साथ ललित चौफाल लकी आपका स्वागत करता हूँ। राजेश और धर्मेंद्र खोलिया की जोड़ी यहाँ पे मैदान पर, धर्मेंद्र खोलिया करेंगे यहाँ पे सामना, और गेंदबाज यहाँ पे अभिषेक लेफ्टी हैं जो कि कमेंट्री बॉक्स इन से गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पहली गेंद यहाँ पर, और आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश यहाँ पर थी धर्मेंद्र खोलिया की, और स्पीड किया है बीट यहाँ पे। लेफ्ट आर्म के काफी अच्छे गेंदबाज हैं, ये उनका गृह जिला है देहरादून, यही देहरादून के रहने वाले हैं अभिषेक। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से खिलाड़ियों के उम्मीदें कभी अप्स एंड कभी डाउन होती हैं सपने ना, लेकिन इस प्रो लीग ने उन सब खिलाड़ियों की जो उम्मीदों को जगा दिया है। यहाँ पे कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं, मैं अभी इसके बाद आपको बताने की कोशिश करूंगा। बढ़िया यहाँ पर बॉल,
कई खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो सोच रहे थे उत्तराखंड प्रो लीग होने से पहले कि हम अपने करियर को खत्म कर दें, अभी हमें क्रिकेट नहीं खेलनी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत पूरे उत्तराखंड में घूमा, लेकिन इस उत्तराखंड प्रो लीग के इस एडिशन को देख करके, डीबी चंद सर की सोच का जो नमूना आप देख रहे हैं, इसे देख के कई खिलाड़ियों ने दोबारा क्रिकेट खेलनी शुरू की है, कई खिलाड़ियों ने टेनिस क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी है, तो बहुत मजा आने वाला है अभी आगे आगे। यहां पर वाइड यॉर्कर की कोशिश ये थी और बढ़िया, यहां पे अपना खाता जरूर खोला है धर्मेंद्र, या खोलिया दो तीन गेंदें यहां पर रवि हुई हैं, एक रन मात्र यहां पर बना है। और ये डॉट बॉल यहां पे पांच गेंदें यहां पर हो चुकी है पहले ओवर की, और पांच गेंदों के बाद एक रन मात्र यहां पर दिया है अभिषेक लेफ्टी ने। बढ़िया यहां पर गेंदबाजी करते हुए, शुरुआत बहुत अच्छी क्योंकि 140 रन के टारगेट का पीछा करना है, तो बड़ी अच्छी रन रेट से यहां पर बनाने होंगे रन पिथौरागढ़ पैंथर्स को। ये बॉल भी काफी बढ़िया और डॉट बॉल से यहां पर समाप्त हुआ ओवर, एक ओवर की समाप्ति के बाद बना है एक रन बिना किसी नुकसान के, तो 54 गेंदों पर 139 रनों की जरूरत है यहां पे अब जीतने के लिए पिथौरागढ़ पैंथर्स को। तो नए गेंदबाज यहां पे रवि कोहली, जो कि पहला ओवर बहुत अच्छा यहां पर रहा पौड़ी राइजिंग स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिथौरागढ़ पैंथर्स को अच्छा और तेज तर्रार यहां पर खेलना होगा। छोटा बॉल ये, और बहुत बढ़िया शॉट यहां पे 6 रनों के लिए जाती हुई गए, धर्मेंद्र खोलिया है। बड़े शॉट लगाएंगे अगर इस तरह से आप उन्हें टाइम देंगे शॉट खेलने के लिए। तो यहां पर शुरुआत अच्छी, यहां पे पहली गेंद पे यहां पर 6 रन यहां पे मिले रवि कोहली ने, ये बहुत छोटा गेंद था ये, इसे पुल कर दिया ऑन साइट में और मैक्सिमम उत्कर्ष बैंक छक्का लगता हुआ। ये अच्छा बॉल यहां यहां पर वापसी की है, पहली गेंद पर 6 रन, लेकिन यहां पर डॉट बॉल रवि कोहली की। और बात करेंगे रवि कोहली की, तो बल्लेबाजी क्या जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर की, नॉट आउट अपनी टीम के लिए, अच्छे रन यहां पर जुटाने में कामयाब रहे और गेंदबाजी में भी यहां पर शुरुआत की है। ये बढ़िया शॉट यहां पे, लेकिन रन देकर जाएगी पूरे 6। माफी चाहेंगे, 6 नहीं, ये 4 रन है।
धर्मेंद्र खोलिया जी। यहां पर खिलाड़ी को बीट करने में भेदने में रही कामयाब और बढ़िया चार रन मिलते हुए यहां पे इस ओवर में अच्छे रन यहां पर आते हुए अभी तक का 14 रन ओवर से आ चुके हैं और टोटल 15 यहां पर रन बने हैं। पहला ओवर काफी अच्छा यहां पर किया था अभिषेक लेफ्टी ने, लेकिन इस ओवर में रवि कोहली 14 रन दे चुके हैं और सारे रन यहां पर धर्मेंद्र खोलिया अपने बल्ले से यहां पर निकालते हुए। ये शॉट अच्छा थर्ड में 30 सर्कल के ऊपर के खिलाड़ी के निकाल दी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर और ये बैक टू बैक 3 चौके लगा चुके हैं धर्मेंद्र खोलिया और इसी के साथ 19 का स्कोर बन चुका है यहां पे। ओवर की लास्ट गेंद यहां पे रवि कोहली का ये ओवर काफी महंगा 18 रन अभी तक आ चुके हैं इस ओवर से। ये यहां पर मौका था यहां पर नीरज कुलवरा ने बढ़िया कोशिश यहां पे की, लेकिन थोड़ा सा आगे इंपैक्ट हुई, कोशिश में कमी कोई नहीं थी यहां पे और लेग बाय के रूप में 1 रन यहां पे मिला और इसी के साथ स्कोर जो है 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 20 रन बिना किसी नुकसान के टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स। और इस ओवर में 19 रन यहां पर आए हैं और धर्मेंद्र खोलिया की बढ़िया यहां पर बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसमें कि 1 छक्का यहां पर पहली गेंद पे, उसके बाद 1 डॉट बॉल देखने को मिली, फिर लगातार 3 अच्छे चौके देखने को मिले, तो काफी अच्छा यहां पर घटा इससे पहले ओवर पिथौरागढ़ पैंथर्स के लिए। धर्मेंद्र खोलिया यहां पर अकेले 9 गेंदों पर 19 रन बना करके अपनी टीम की उम्मीद को अभी फिलहाल दूसरे ओवर तक में यहां पर जिंदा यहां रखे हैं। 48 गेंदों पर 120 रन यहां पर चाहिए पिथौरागढ़ पैंथर्स को अगर जीतना है तो। राइसिंग है नए बॉलर यहां पे और राइसिंग गेंदबाजी करेंगे अपना कमेंट्री बॉक्स इनसे गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने धर्मेंद्र खोलिया उनका सामना करेंगे। अगर इस प्रतियोगिता के इस मुकाबले को जीतना है तो धर्मेंद्र खोलिया को तेज पारी और बढ़िया से टिके रहना होगा विकेटों पे। यहां ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और डॉट बॉल यहां पे शुरुआत हुई है। 47 गेंदों पे 120 रन यहां पर मुश्किल टारगेट ये जरूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं क्योंकि काफी अच्छे रन अभी बनने लग गए हैं यहां पर इस पिच पे, जैसा कि 140 के टारगेट को चेज करने उतरी है पिथौरागढ़ पैंथर्स। छोटा गेंद यहां पे ऑन साइड पे खेल दिया और यहां पर क्या देखा जाएगी 4 रन ये, जी हां अमर उजाला चौका लगता हुआ, बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर इसे प्लेस किया धर्मेंद्र ने। इस शॉट को खेलने के लिए पूरी तरीके से पिछले पैर पर वेट ट्रांसफर कर दिया था, यहां पर घूम गए और लेग साइड पे लाजवाब चौका ये। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से वॉच करते हैं गेंद के टप्पे को और उसके बाद में बढ़िया टाइमिंग बनाई यहां पे धर्मेंद्र ने और 11 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेल रहे हैं। ये बढ़िया यहां पर और ये भी ओहो कैच ड्रॉप यहां पर हुआ, अजित मोहिते हैं जो कैच ड्रॉप कर दिया, यहां पे मौका था। धर्मेंद्र खोलिया जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और आक्रामक खेल भी रहे हैं, उनका कैच यहां पे हुआ ड्रॉप। ये देखिए इस तरह से कैच ड्रॉप हुआ, पूरी तरीके से हाथों में थी गेंद ये और साइड में छटक गई। मौका पिथौरागढ़ पैंथर्स के फेमे में खुशियां यहां पर जरूर होंगी। 45 गेंदों पर 115 रनों की जरूरत है। धर्मेंद्र 12 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, राजेश अभी खाता नहीं खुला उनका। ये रनिंग के यहां पे डायरेक्ट थ्रो होता तो रन आउट यहां पर हो सकता था,
एक रन यहां पे मिला है टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स को और स्कोर जा पहुंचा है 26। बिल्कुल राजेश ने ये चार गेंदों पे अपना खाता खोला है, पहला रन बना है चार गेंदों का सामना करने के बाद राजेश सह का। वाह क्या शॉट है, निहारते रहिए इसे, अफलातून शॉट ये निकला धर्मेंद्र खोलिया का, ये ताकत थी मडवे की, वाह कमाल का शॉट ये। अभी मैच में बने रहिए आप लोग, मैच में बहुत कुछ बाकी है। इस ओवर से बन चुके हैं 12 रन अभी तक। हाँ बिल्कुल यकीनन कैच छोड़ने का नतीजा है ये। फिर से धर्मेंद्र खोलिया यहां पे, दोनों खिलाड़ियों के बीच से क्या निकलेगी जी नहीं, बहुत बढ़िया फील्ड वहां पे, शौकत अली ने वो फील्ड किया था यहां पे। और तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो है वो 33 रन है बिना किसी नुकसान के, तो बढ़िया शुरुआत यहां पे हुई है। अभी मैच ऑन है यहां पे, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 140 रन सबसे बड़ा टारगेट यहां पे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का, 10 ओवर में 140 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी है। तीन ओवर समाप्त हुई है, 33 रन यहां पे बने हैं, क्वालिफायर नंबर 2 मुकाबला ये खेल रहे हैं हम। और मैं बात कर रहा था हमारी पूरी लीग की, तो हमारी जो पूरी लीग की जो टीम है उसमें फाउंडर चेयरमैन डीबी चंद सर है, प्रेसिडेंट इस मैं जगजीवन कन्याल हैं, डायरेक्टर महेश रजवार, डायरेक्टर हैं नवीन चंद, लीग कमिश्नर के रूप में विष्णु अधिकारी पूरे टीम को हैंडल कर रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी में थैंक्स सपोर्टिंग बाय सतीश रिखाड़ी जो कि बिजनेस कोच हैं, मैडी रावत हैं और योगेश सिंह कन्याल और साथी हैं अर्जुन सिंह इगराल। और हमारे यूपीएल के जो स्पॉन्सर्ड हैं, यूपीएल स्पॉन्सर किया है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपकी उम्मीद का खाता और साथी रॉयल राही। ये विशाल की पहली गेंद और चौका मिलता हुआ, मैं बात कर रहा था स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल राही ग्लोबल लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही सपोर्टेड बाय सोशल वर्कर मुन्ना बिस्त, और थैंक्स टू अवर पार्टनर, मीडिया पार्टनर हैं अमर उजाला, रेडियो पार्टनर हैं ओहो रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन, और आउटडोर मीडिया पार्टनर यहां पर हैं अडॉन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो 15 गेंदों पर 35 रन बनाकर बढ़िया पारी यहां पर खेल रहे हैं विशाल चौबे की। दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, हल्का सा स्पीड को यहां पर बढ़ाया है और बीट हुए हैं धर्मेंद्र खोलिया। 16 गेंदों पर 35 रन बनाए हैं यहां पे अभी 12 फ्रेंचाइजीज उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में यहां पर प्रतिभाग की, पिथौरागढ़ पैंथर्स, नैनीताल टाइगर्स, उधम सिंह नगर लॉयंस, चंपावत रॉयल्स, ये भी बढ़िया अच्छी फील्ड यहां पर बनेगी क्या नहीं जी, यहां पर बेहतरीन शॉट और 4 रन यहां पर मिलते हुए अमर उजाला चौका। अपने हुनर का लोहा मनवाते हुए 17 गेंदों पे 39 रनों की क्या गजब पारी खेली है। बिल्कुल यकीनन 15 अगर पहली ओवर छोड़ दें तो 15 गेंदों पर 40 रन अभी तक बन चुके हैं, तो कितना बढ़िया यहां पर देखिए बल्लेबाजी पहले ओवर के अलावा यहां पर 39 गेंदों पर 99 रनों की यहां पर जरूरत है। ये भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ इस बार, डॉट बॉल यहां पे और निराश है अपने आप से धर्मेंद्र खोलिया, क्योंकि हर बॉल पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, अभी 4 गेंदों पे 8 रन बन चुके हैं। हमारे फ्रेंचाइजीज के बारे में मैं बता रहा हूं, अल्मोड़ा अटैकर्स हैं, बागेश्वर बुल्स हैं, देहरादून कैपिटल्स, हरिद्वार वॉरियर्स, पौड़ी राइजिंग स्टार्स, चमोली चैलेंजर्स, टिहरी ब्लास्टर्स, रुद्रप्रयाग किंग्स, ये 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं इस प्रतियोगिता में। यहां पर जो पहले नहीं कर पाए वो इस बार कर दिया और मिला है मैक्सिमम 6।
और पिथौरागढ़ पैंथर्स के टीम ओनर श्री त्रिलोक कन्याल हमारे बीच हैं। नैनीताल टाइगर्स में पंकज चुफाल, कौशल चौहान और प्रदीप पाल ये टीम ओनर हैं। उधम सिंह नगर लॉयन के टीम ओनर हैं आदरणीय मिस्टर अतुल गुप्ता। चंपावत रॉयल्स के टीम ओनर हैं मिस्टर मनीष बेलवाल, मिस्टर किशन चंद और अल्मोड़ा अटैकर्स के टीम ओनर हैं नागेश चंद। बागेश्वर बुल्स के टीम ओनर हैं बसंत कुमार, मिस्टर मनोज जोशी, मिस्टर दीपक पांडे और देहरादून के टीम ओनर हैं देहरादून कैपिटल के टीम ओनर संदीप केड़िया और ललित जोशी इस बार। और बहुत बाहर ये व्हाइट बॉल का सिग्नल अतिरिक्त मिलेगा यहां पर एक और, पर इस ओवर का दूसरा एक्स्ट्रा अब सॉरी पूरी इनिंग का इनके अभी दूसरा एक्स्ट्रा ये मिला। 5 गेंदें हो चुकी हैं, 48 रन यहाँ पे अभी बोर्ड पे आप देख रहे हैं, 37 गेंदों पर 92 रनों की ज़रूरत है। तो मैं बात कर रहा था हमारे ओनर्स की, देहरादून कैपिटल के, देहरादून कैपिटल से संदीप केड़िया हैं, ललित जोशी और टीम ओनर। ये बहुत बढ़िया चौका यहाँ पे डी फाइनलग के फील्डर के साइड से और इसी के साथ ये ताबड़तोड़ लाजवाब यहाँ पे 21 गेंदों पे 50 रन खेल लिए हैं यहाँ पे। तो ओवर समाप्त यहाँ पर हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन माफ कीजिएगा 20 गेंदों पर 49 रन बनाए यहाँ पर धर्मेंद्र खोलिया ने। तो एक रन मात्र चाहिए यहाँ पर 50 पे और वाकई धर्मेंद्र खोलिया जितना अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं उससे तो क्या बात है, इनकी इनकी काबिलियत का लोहा आज पौड़ी राइजिंग स्टार्स यहाँ पे अभी फिलहाल शुरुआत में तो मानती हुई 52 बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर अभी यहाँ पे हुए हैं, धर्मेंद्र खोलिया खेल रहे हैं 49 के निजी स्कोर पे। चमोली चैलेंजर्स पौड़ी राइजिंग स्टार के सुरेश पांडे, हरिद्वार वॉरियर्स के टीम ओनर है मिस्टर महेंद्र सिंह चुफाल और साथ ही चमोली चैलेंजर्स जो कि फाइनल में पहुंची है उनके टीम ओनर है डॉक्टर लता जोशी। टिहरी ब्लास्टर के टीम ओनर मिस्टर सोहन उनियाल और रुद्रप्रयाग किंग्स के टीम ओनर मिस्टर रमेश बिस्त। ये हमारे सारे फ्रेंचाइजीज ओनर हैं और इनका शुक्रिया हम अदा करते हैं यहाँ पे, और तमाम हमारे लीग ऑनर्स जो कि इससे जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया उनका, जिस तरह से इस पूरी प्रतियोगिता में आप लोगों ने सहयोग किया और टीमों ने प्रतिभाग किया। अभी हमारी टोटल 9 टीमें हाँ यस 9 टीमें हमारी इस पूरी प्रतियोगिता से अभी बाहर हो चुकी हैं क्योंकि अब ये 2 टीमें क्वालिफायर नंबर 2 खेल रही हैं और 1 टीम पहुँच चुकी है फाइनल में। तो 5वां दिन आज है और कल है बड़ा दिन उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के लिए क्योंकि कल फाइनल डे है, कल होगा इसका मेगा फाइनल उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 का। कौन खेलेगा फाइनल मुकाबला चमोली चैलेंजर से, बने रहिए हमारे साथ इस मुकाबले। ये बॉल अच्छा यहाँ पे और दौड़ करके रन पूरा कर लिया यहाँ पे, जल्दी यहाँ पर 1 रन लिया है राजेश, लेकिन धर्मेंद्र काफी जल्दी स्ट्राइक चेंज की है यहाँ पे। 5 गेंदों में 2 रन बनाए हैं और धर्मेंद्र खोलिया अपने 50 रन पूरे करने में मात्र 1 रन दूर हैं अब 20 गेंदों पर 49 रन की बढ़िया पारी खेली है। 53 रन स्कोर अगर है बोर्ड पे तो 49 रन की बढ़िया पारी यहां पर धर्मेंद्र खोलिया ने खेली है। राइसिंग है गेंदबाज इस ओवर की दूसरी गेंद, ये ऑस्टन के बाहर और यहां पे कट की कोशिश यहां पर थी, बढ़िया डॉट बॉल यहां पे राइसिंग की। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद यहां पर इस बार भी यहां बीट करने में रहे कामयाब राइसिंग। 2 डॉट बॉल यहां पर हो चुकी हैं,
और स्ट्राइक पे हैं वो खिलाड़ी जो अपना 50 रन पूरा करने से मात्र एक रन दूर हैं, 22 गेंद हैं उन 50 रन, यहां पे धरबिन खोलिया। पूरी लीग में काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनके द्वारा दी गई है। छोटा गेंद यहां पे खेल दिया इसे और क्या ये सीधे हाथों पर जाएगी, जी हां विकेट यहां पर मिलती हुई, ये पहली विकेट मिली। आओ क्या बेहतरीन यहां पे विकेट, पहली गेंद पे एक रन दो बॉलर डॉट और उसके बाद जो शॉट खेला सीधा यहां पे अच्छा कैच लिया धर्मेंद्र खोलिया, उन 50 रन 23 गेंदों पर बनाकर आउट हो रहे हैं। अपनी टीम के लिए बढ़िया यहां पर शुरुआती सेटअप तैयार करके गए हैं। यहां पे पांचवा ओवर चल रहा है अभी, चार गेंदें हुई हैं। ये विकेट देखिए किस तरह से यहां पे विकेट मिली धर्मेंद्र खोलिया की, अच्छा गेंद था ये, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर था और खेला जरूर थोड़ा हवा में ज्यादा, ये शॉट गया और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, यहां पे अच्छा कैच पकड़ लिया। तो अब 32 गेंदों पे 87 रन शुभम के, शुभम कुमार यहां पे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखते हैं बल्लेबाज शुभम आज क्या कमाल करके दिखाते हैं, क्योंकि 140 के टारगेट का पीछा कर रही है टीम नैनीताल टाइगर्स। शॉर्ट बॉल यहां पे, यहां पर भी बढ़िया मौका था और ये अमर सिंह ने छोड़ा ये कैच, यहां पे ड्रॉप हुआ, बहुत कंफर्टली पहुंच चुके थे यहां पे, गेंद के नीचे लेकिन ये ड्रॉप और यहां इसी के साथ 54 रन पे पहुंची है टीम। एक मात्र सक्सेसफुल बॉलर यहां पे जिन्हें विकेट मिली राय सिंह, 31 गेंदों पर 86 रनों की जरूरत है यहां पे पिथौरागढ़ पैंथर्स को। और ये डॉट बॉल ओवर की समाप्ति हुई है, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन 1 विकेट के नुकसान पे पिथौरागढ़ पैंथर्स। और इस ओवर से मात्र 2 रन यहां पर आए हैं, 2 रन मात्र इस ओवर से आए और बढ़िया यहां पे पांच ओवर अभी बाकी है और स्कोर यहां पे 86 रनों की और जरूरत है यहां पे 30 गेंदों पे 86 रन जीतने के लिए यहां पर चाहिए पिथौरागढ़ पैंथर्स को। राजेश हैं अभी भी क्रीज पे ओपनिंग बल्लेबाज और ये रिटायर्ड राजेश, रिटायर आउट है राजेश यहां पे, तो अभी नए बल्लेबाज सचिन गए हैं उनकी जगह पे मैदान पर। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 54 रन यहां पे बने हैं। अभिषेक लेफ्टी हैं गेंदबाज, यहां पर चौका मिलता हुआ यहां पे पिथौरागढ़ पैंथर्स को, ये देखिए ऑन साइड पे यहां पर वन बाउंस, खिलाड़ी के पास इस बार भी मौका था यहां पर रोकने का, यहां मिसफील हुई है।
राकेश शाही थे वहां पे फील्डर जिनका। और डॉट बॉल यहां पे हुई है, अभिषेक लेफ्टी ये अपना दूसरा ओवर यहां पे कर रहे हैं। पहली गेंद पे विकेट यहां पे रिटायर्ड आउट। ये देखिए काफी ऊपर ये बॉल गई है और यहां फील्डर नीचे और यहां पर बेहतरीन कैच यहां पे विशाल चौबे है अपनी टीम के लिए लाजवाब कंट्रीब्यूशन करते हुए। क्या कमाल का कैच ये किया, इससे पहले काफी कैचेस ड्रॉप किए गए लेकिन इस खिलाड़ी का कोई जवाब नहीं। यहां पे ये कैच जो है मैच में पूरी पकड़ यहां पे अब पौड़ी राइजिंग स्टार बना चुकी है। 58 रन बने हैं, 3 विकेटें हो चुकी हैं। ये देखिए अभिषेक लेफ्टी का ये बॉल ऑफ स्टंप के बाहर जाता हुआ, बड़ा अच्छा शॉट नहीं था, कनेक्शन उतना अच्छा नहीं, बहुत ऊपर गई है और विशाल चौबे उड़ते हुए यहां पर क्या कमाल का कैच लिया है। देखिए विशाल चौबे इस बार ये पिछले एडिशन में भी खेल रहे थे लेकिन इस एडिशन में ये पौड़ी राइजिंग स्टार ने इनके ऊपर विश्वास जताया। गेंदबाजी करते हुए विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। इस बार एक हैट्रिक भी यहाँ इस पूरी लीग में ले चुके हैं, पहली हैट्रिक इन्हीं की, दूसरी हैट्रिक माफ कीजिएगा इन ली विशाल चौबे ने और बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे की है। अभिषेक लेफ्टी यहाँ पे विकेट मिली और 9 गेंदों पर मात्र 5 रन अभी तक दिए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पे मिली है। मोहम्मद अरशद नई बल्लेबाज, छोटा गेंद और यहां पर ओ, ये हाथों में आई जरूर थी लेकिन छिटक कर 6 रनों के लिए जाती हुई थी। तो डेड बॉल है ये, अभी फिलहाल इस ओवर में 4 गेंदें हुई हैं, 26 गेंदों पे 76 रन यहां पर चाहिए जीतने के लिए अभी पिथौरागढ़ पैंथर्स को। और ये बड़े शॉट के लिए जाने जा रहे थे लेकिन बढ़िया यहां पर अभिषेक लेफ्टी और ये भी बढ़िया और डॉट बॉल यहां पर इस बार। तो ओवर में अभी तक रन आए हैं 10 और बढ़िया 10 ओवर लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट लगातार यहां पे बढ़ता हुआ पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम का। ये बढ़िया बॉल यहां पे अपील हुई है, यहां पर रन आउट का भी चांस यहां पे बनता हुआ, बढ़िया फील्ड यहां पे, गजब की फील्डिंग यहां पे की गई। तो मुकाबला यहां पर पूरी तरीके से मुकाबले पे शिकंजा कसते हुए यहां पर टीम और 6 ओवर समाप्त यहां पर हो चुके हैं और 64 रन बने हैं और 3 विकेटें यहां पे गिरी हैं। अब मात्र 4 ओवर बचे हैं, 24 गेंदों पे 76 रनों की जरूरत है। ये देखिए हाइट का इश्यू यहां पर, चौसठ रन और 3 विकेटें 6 ओवर की समाप्ति के बाद 24 बॉलों पर 76 रन और मुश्किल है 18 नामुमकिन नहीं, एक ताबड़तोड़ बढ़िया पारी यहां पर खेलनी होगी और 18 रन पर ओवर के रिक्वायर रन रेट से ज्यादा के रन रेट से यहां पर रन बनाने होंगे टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स को। मनीष कुमार हैं गेंदबाज,
ऑफ सब के काफी बाहर। ये शुरुआत हुई है वाइट बॉल से, अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचेगा 65 रन पहुंच चुका है स्कोर, और पारी का तीसरा एक्स्ट्रा ये मिलता हुआ इस बार। ये शॉट यहां पर भी बढ़िया कोशिश करेंगे, इस बार दौड़ लगाई थी दो खिलाड़ियों ने, वन हैंड कैच की कोशिश यहां पर थी और दो रन यहां पर दौड़कर पूरे किए। 67 की स्कोर पर पहुंच चुकी है अब टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स। बची हुई गेंदें अब यहां पर 23 गेंदों पर 73 रनों की अभी भी जरूरत है पिथौरागढ़ पैंथर्स को। 7 विकेटें हाथ में यहां पर जरूर हैं। ये भी बड़े शॉट के लिए, लेकिन एक ही रन यहां पर मिलेगा, और इसी के साथ ओवर में अभी तक आ चुके हैं 4 रन और 2 गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। लीगल रिलीज मनीष कुमार, जो कि आज और एक और वाइट बॉल यहां पे ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, ये गेंद मनीष के द्वारा की गई और चौथा अतिरिक्त रन यहां पे इस इनिंग का पौड़ी राइजिंग स्टार के द्वारा। ये भी यहां पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर और यहां एक और अतिरिक्त, पांचवां अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ। तीसरा वाइड है इस ओवर का। ये 70 रन बन चुके हैं पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम के, और इतने ही रन और जरूरत है जीतने की, तो आधा सफर अभी तय किया है, आधा सफर अभी बाकी है। डर के तूफान से मैं साहिल का तलबगार नहीं, अपने मकसद से मुकर जाऊं, ये मेरा किरदार नहीं। कौन खिलाड़ी यहां पर जिम्मा लेगा 140 के टारगेट को पूरा करने के लिए? जी हां, वो कह रहे हैं मैं हूं ना। बढ़िया सचिन तोमर यहां पे, बेहतरीन सिक्स यहां पे। बड़ा भी है ये ओवर और महंगा भी है। पौड़ी राइजिंग स्टार्स के 77 पर पहुंच चुकी है टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स। ये देखिए क्या गजब का यहां पर उत्कर्ष बैंक चौका छक्का लगाया है, और इस ओवर में आ चुके हैं अभी 13 रन और एक और आप जोड़ लीजिए 14 रन। तो वाइट बॉल 14 रन यहां पे आ चुके हैं, और ये इस ओवर की चौथी वाइड भी अभी हो चुकी है। अभी यहां ऑफ स्टंप की तरफ में खेला इसे, और क्या बेहतरीन शॉट ये उत्कर्ष बैंक, छक्का एक और लगता हुआ। उम्मीद बनती हुई यहां पर पिथौरागढ़ पैंथर्स के लिए, 84 में आ चुकी है पिथौरागढ़ पैंथर्स। देखिए ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, इस बार हाथ खोले और 6 रन मैक्सिमम मिला है। सचिन तोमर यहां पे 4 गेंदों पे 15 रन बनाकर खेल रहे हैं, 20 आ चुके हैं इस ओवर से। तो ये ओवर थोड़ा सा पिथौरागढ़ पैंथर्स के लिए अच्छा गुजरता हुआ। आखिरी गेंद अभी बाकी है इस ओवर की। यहां बल्ला घुमाने की कोशिश यहां पर, और आखिरी डॉट बॉल ये इस ओवर की, और इसके साथ ही 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 84 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो 18 गेंदों पर 56 रन की यहां पर जरूरत है पिथौरागढ़ पैंथर्स को। एक उम्मीद थोड़ा सा पिछले ओवर में यहां पर बनी, 20 रन पिछले ओवर में दिए मनीष कुमार का, काफी महंगा ओवर साबित हुआ है। रवि कोहली भी पिछला ओवर काफी महंगा उनका गया, 18 रन बने हैं, और अब मोहम्मद अरशद यहां पे 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर, सचिन तोमर 5 पे 15 बनाकर खेल रहे हैं। क्या आखिरी 3 ओवर में बना पाएगी 56 रन पिथौरागढ़ पैंथर्स? देखना होगा यहां पर
क्योंकि मुकाबला अभी भी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि इसमें 18 गेंदों पर 56 रन नहीं बन सकते। 18.67 6-7 के रिक्वायर्ड रन रेट से बनाने हैं रन रवि कोहली की पहली गेंद यहां पे इस ओवर की। छोटा गेंद और पहला ही गेंद यहां पर पटका हुआ और बहुत बाहर यहां पर स्टंप के व्हाइट अतिरिक्त के रूप में यहां पे मिलता हुआ। और 85 रन यहां बोर्ड पर बन चुके हैं पिथौरागढ़ पैंथर्स के। यहां एक रन जरूर मिलेगा, एक रन यहां पर मिलेगा और लेग बाई का सिग्नल यहां पर है। पांव पे लग के ये बॉल गई और रनिंग बहुत अच्छी यहां पर देखने को मिली, लेकिन इस एक रन दो रन से यहां पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला पौरी राइजिंग स्टार्स को, क्योंकि जानती है कि अभी 17 गेंदों पर यहां पर जरूरत है। अब ये 16 गेंदों पर 54 रन और चाहिए यहाँ पे। ये डॉट बॉल रवि कोहली की पहली वाइट जरूर यहाँ पर हुई, उसके बाद अच्छा वापसी कर दिया यहाँ पे। पौड़ी राइजिंग स्टार्स के बेहतरीन खिलाड़ी आइकन प्लेयर हैं रवि कोहली, सहारनपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश बेहतरीन टेनिस के खिलाड़ी। यहां पर यह भी बढ़िया बॉल यहां पे और एक रन यहां पे जरूर मिला, लेकिन शिकंजा कसते हुए यहां पर और स्कोर जा पहुंचा है 87 रन। ये लेग बाई का सिग्नल यहां पर दिया है। तीनों गेंदें हो चुकी हैं इस ओवर की। अब मात्र 15 गेंदें अभी शेष हैं इस इनिंग की, क्वालिफायर टू मुकाबले की। ये यॉर्कर लेंथ गेंद यहाँ पे, इसको भी यहाँ खेला ऑन साइड पे और रन एक ही मिलेगा यहाँ। चार गेंदें इस ओवर की हो चुकी हैं, 88 रन अभी बने हैं, 14 गेंदों पे जरूरत यहाँ पे 52 रनों की अभी रहेगी टीम पौड़ी राइजिंग स्टार्स की। 88 के स्कोर पे यहाँ पे पहुँच चुकी है टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स। 140 रनों के टारगेट का पीछा कर रही है और यहां पर 4 रनों के लिए वन बाउंस चौका। सचिन तोमर यहां पे हैं बल्लेबाज, 92 पर पहुंच चुकी है टीम अभी। और ये 8वें ओवर की अंतिम गेंद अभी यहां पर शेष है। 3 गेंदों पर 48 रन अभी भी चाहिए यहां पे। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन की बाहर की गेंद को यहाँ पे धकेल दिया कवर के क्षेत्र में और बढ़िया शॉट यहाँ पे। और ये 92 रनों पर पहुंच चुकी है टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स। 13 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत अभी भी है पिथौरागढ़ पैंथर्स को। 7 विकेट अभी भी ये फील्डर को बीट किया यहां पे, एक और चौका यहां मिला। सचिन तोमर बल्लेबाज हैं, 9 गेंदों पर 23 रन बना करके खेल रहे हैं, बढ़िया पारी यहां पर खेल रहे हैं। और 12 गेंदों पर 44 रनों की अभी भी यहां पर जरूरत है। 8 ओवर कंप्लीट होने के बाद 96 रन 3 विकेटों के नुकसान पर टीम पिथौरागढ़ पैंथर्स का यहां पर स्कोर है। रिक्वायर्ड रन रेट अगर बात करेंगे तो एक ओवर में निश्चित हां या 22 रन बनाने हैं अगर जीतना है तो। बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पर है, लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल हालात में कमजोर स्वाभिमान वाले चक्कर खाया करते हैं और मजबूत इरादे वाले इतिहास बनाया करते हैं। अगर यहाँ पे 12 गेंदों पर 44 रन बनते हैं तो पिथौरागढ़ पैंथर इतिहास रच देगी यहाँ पे उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में। और अगर इसे डिफेंड करने में रहती है कामयाब पौड़ी राइजिंग स्टार्स, तो पौड़ी राइजिंग स्टार बन जाएगी यहाँ पे दूसरी टीम फाइनल में पहुंचने वाली। तो बड़ा मजा है यहां पर, रोमांचक की स्थिति पे आ चुका है मुकाबला। 12 गेंदे 44 रन मोहम्मद अरशद और
सचिन तोमर हैं बल्लेबाज, अभी स्ट्राइक पे 96 आ चुके हैं, 140 के टारगेट का पीछा कर रही है पिथौरागढ़ पैंथर्स की टीम। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ जिस तरह से अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे की आइकन प्लेयर रवि कोहली के साथ मिलकर के, जो नीरज कुलोरा ने जो बल्लेबाजी की उससे ये साबित हुआ कि कहीं भी हमारे उत्तराखंड के जो प्लेयर्स हैं वो प्रो प्लेयर से कम हैं। ऐसा नजर आया कि बिल्कुल पैरेलल जाकर के अपनी पार्टनरशिप और अपना परफॉर्म कर रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था और लीग का जो उद्देश्य है वो पूरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सचिन यहाँ पर ऑफ स्टंप की तरफ को ये बॉल निकला और डॉट बॉल, यहाँ पे बल्लेबाज ने बिल्कुल ज्यादा यहाँ पे कोशिश नहीं की क्योंकि अर्शद थे बल्लेबाज। यहां पर मौका बना है और ये इस बार काफी दौड़ जरूर लगाई यहां पे लेकिन कैच नहीं कर पाए। एक मौका यहां पे फिर बना, ये देखिए किस तरह से मौका बना यहां पे मनीष की ये गेंद और काफी बाहर थी ऑफ स्टंप की पकड़ी और लेकिन ये थोड़ा मिस हिट हुआ यहाँ पे, बहुत हाइट यहाँ पे और काफी ज्यादा दौड़ यहाँ पे लगाई अजीत मोहिते ने लेकिन पहुंच नहीं पाए, कोशिश बहुत बढ़िया थी यहाँ पे। तो अब मुश्किल होता हुआ ये टारगेट यहाँ पे, मुश्किल इसलिए क्योंकि 10 गेंदों पर 43 रन बनाने हैं, पिथौरागढ़ पैंथर्स की टीम को विकेट हाथ में जरूर है और ये शॉट और यहां पर विशाल चौबे गलती नहीं करेंगे क्योंकि बढ़िया फील्डर के रूप में यहां पर अपनी टीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहला भी बढ़िया कैच था, ये भी बहुत बढ़िया और विकेट यहां पर गिरी है चौथी। जी हम आपको बता दूं पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम में राजेश जो खिलाड़ी हैं वो रिटायर्ड आउट हुए हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। वैसे विकेट अभी चार गिर चुकी हैं, 97 रनों पर 4 पिथौरागढ़ पैंथर्स, थोड़ा सा मुश्किल हालात में यहाँ पे और 9 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत है और टोटल फ्रेंचाइजी ऑनर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं उत्तराखंड प्रो लीग के माध्यम से और मिस्टर टेनिस क्रिकेट ऑफ उत्तराखंड। जी हाँ ये नाम कहें तो बहुत अच्छा लगेगा अब क्योंकि ये हो चुका है, बन चुका है, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को पंख लग चुके हैं क्योंकि उत्तराखंड की टेनिस क्रिकेट को एक नया आयाम अगर किसी व्यक्तित्व ने दिया है तो वो है फाउंडर चेयरमैन डीबी चंद सर, जिनके द्वारा यहाँ पे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए ये मंच तैयार किया गया है और निश्चित ही आज से टाइटल मिस्टर टेनिस क्रिकेट ऑफ उत्तराखंड फाउंडर चेयरमैन डीबी चंद। 9 गेंदों पर 43 रन यहां पे बनाने हैं पौड़ी राइजिंग स्टार्स को, 97 बने अभी 4 विकेटें हुई हैं, 8 ओवर 3 गेंदें अभी तक हो चुकी हैं और राजेश रिटायर्ड हर्ट आउट होके पहले ही पैवेलियन जा चुके हैं और नई बल्लेबाज यहां पे फिरोज आए हैं, नई बल्लेबाज 9 गेंदों पर 43 रन यहां पे बनाने हैं फिरोज नए बल्लेबाज। और ये मैक्सिमम बढ़िया यहां पे खेल दिया और उत्कर्ष बैंक छक्का लगता हुआ यहां पे फिरोज से यहां पे बल्लेबाज, ये देखिए बहुत बढ़िया तह पे गई और उसे पूरा बेट पावर जनरेट करते हुए इसे बढ़िया शॉट, ये अच्छा कनेक्ट हुआ। अब लगातार बाउंड्रीज पे ही यहां पे डील करनी होगी और अगर इस तरह के शॉट बाउंड्रीज की तरफ खेलेंगे तो जीत के लिए यहां पर, लेकिन ये मौका यहां पर बढ़िया था, देखिए कितना अच्छा कैच यहां पर युवा खिलाड़ी राकेश शाही, एक और विकेट यहां पे, ये देखिए कितना और बिल्कुल बैलेंस बनाया यहां पे बाउंड्री लाइन के करीब। ओ ये कैच बहुत बढ़िया था भैया, लाजवाब कैच यहां पे राकेश शाही का, बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी हैं। 5वीं विकेट यहां पर अभी फिर गिरी, 103 जरूर यहां पे बने हैं, 7 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत है। आकाश चौहान है बल्लेबाज, क्या दूसरी टीम कौन सी बनेगी उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 के फाइनल में पहुंचने वाली जो सामना करेगी चमोली चैलेंजर्स का।
सात गए तो बस 37 रन, और ये जरूर राहत, मैच अभी भी बना हुआ है यहां पे अंतिम ओवर की गेंद पे, यहां पे मारा है ये सिक्स और छह। ये देखिए उम्मीद अभी जिंदा रखी है इस खिलाड़ी ने अंतिम गेंद पे, यहां पे छह रन और अब आखिरी ओवर यहां पे छह गेंद पे 31 रनों की जरूरत है, आर या पार। बिल्कुल मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है, ये मुश्किल हालात है। यहां पर आग का दरिया है और डूब के जाना है, इस तरह का अगर रन अगर चेज हो जाए यहां पर छह गेंदों पर 31 रन अगर बने तो फिर वो ऐतिहासिक हो जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा। लेकिन पौड़ी राइजिंग स्टार्स ने क्या बेहतरीन यहां पर इस मैच में पूरा ऑलराउंड परफॉर्म किया, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की और उसके बाद जो गेंदबाजी की, कुछ कैच ड्रॉप जरूर हुए लेकिन अच्छा कैच एक लिया था विशाल चौबे ने, उसकी बदौलत थोड़ा सा विकेट लेने में कामयाब रहे। और साथ ही बात करेंगे पिथौरागढ़ पैंथर्स टीम की, तो टॉस जीता था, इस मैच की पूरी कहानी बताते हैं आपको। टॉस जीतने के बाद बोला कि पहले आमंत्रित किया यहां पे बल्लेबाजी के लिए पौड़ी राइजिंग स्टार्स को, तो 139 रन बनाए, 140 का टारगेट का पीछा कर रही है, आखिरी छह गेंद यहां पे बाकी हैं और छह गेंदों में चाहिए 31 रन। बल्लेबाज यहां पे गेंदबाज है विशाल चौबे मसूरी इंड से, मोहम्मद अरशद यहां पे पहली गेंद, यहां पे शरीर की तरफ बॉडी हिट है ये बॉल और यहां पर विशाल ने पहली डॉट के साथ ही थोड़ा प्रेशर डाल दिया मैच को अपनी तरफ खींचकर लेके आने के लिए, ये बॉल डॉट करना बहुत जरूरी था, एक रन यहां जरूर मिला, पांच के दुबे 30 रन लगातार हर बॉल पे सिक्स। ओहो यहां ये गेंद काफी बढ़िया विशाल चौबे की, एक रन यहां जरूर मिला, अब चार गेंदों पर 29 रन चाहिए। तो पिथौरागढ़ पैंथर्स की उम्मीदों को थोड़ा सा यहां पे सदमा लगता हुआ, अब कुछ अन्यत्र बहुत अलग सा नहीं होगा, तो ये मैच अपने पाले में कर दिया है यहां पर पौड़ी राइजिंग स्टार्स ने। और ये रन आउट यहां पे हुआ है और विशाल चौबे आखिरी ओवर यहां पर लेकर आए और बढ़िया गेंदबाजी अभी तक कर रहे हैं, पहला डॉट यहां पर युवा गेंदबाज यहां पे, और ये देखिए इंपैक्ट हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में, यहां पे हल्का फंबल जरूर हुए और उसके बाद ये थ्रो किया और ये आसान सा रन आउट यहां पे विशाल चौबे का। तो ये युवा खिलाड़ी, मैं बता दूं कि विशाल चौबे भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो उत्तराखंड प्रो लीग से खेत खलिहान से यहां तक निकले हैं, ऋषिकेश के रहने वाले हैं और ये उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए बड़ा मंच जो उत्तराखंड प्रो लीग का, तो ऐसे बहुत सारे उभरते हुए सार समय देखने को मिले उत्तराखंड प्रो लीग में, जिन्होंने कि अपनी चमक को अब बिखेरा है, पूरी दुनिया देख रही है उत्तराखंड प्रो लीग के माध्यम से इन उभरते हुए उत्तराखंड के टेनिस स्टार्स को। और धन्यवाद जरूर जाता है फाउंडर चेयरमैन डीबी चंद सर को, एक सोच को, जो कि एक सोच की बहुत कुछ हो सकता है टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड में। नए बैट्समैन सचिन शर्मा यहां पर आए हैं और ये बढ़िया यहां पर उत्कर्ष बैंक छक्का जरूर लगाया है लेकिन मुश्किल हालात अभी भी यहां पर, क्योंकि दो गेंदें में 22 रनों की जरूरत है। अंतिम दो गेंद यहां पर बची हैं और 22 रनों की जरूरत है यहां पे पौड़ी राइजिंग स्टार, क्या राइजिंग टीम बनेगी फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनेगी, ये दो गेंदों में शेष से भी यहां पता चल जाएगा। फिलहाल पूरी तरीके से पकड़ में बहुत दूर जीत से पिथौरागढ़ यहां इस शॉट में, और ये इसके बाद आखिरी एक गेंद यहां पर बचेगी। एक गेंद शेष यहां पे 21 रन यहां पे बने हैं चाहिए और पौड़ी राइजिंग स्टार्स, जी हां, जीत की दहलीज पे कदम रख दिया है। ये आखिरी गेंद यहां पे शॉट खेला जरूर उत्कर्ष बैंक छक्के के लिए, लेकिन इसी के साथ यहां पर
पौड़ी राइजिंग स्टार्स की टीम इस उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 की फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन चुकी है और जो खेलेगी मेगा फाइनल यहां पे कल होगा बड़ा दिन, बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला और वो होगा चमोली चैलेंजर्स वर्सेस पौड़ी राइजिंग स्टार। बने रहिए हमारे साथ उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 में क्या गजब का क्रिकेट यहां पर देखने को मिली। पहले बल्लेबाजी की पौड़ी राइजिंग स्टार्स ने और बल्लेबाजी करते हुए जो कमाल दिखाया 139 रन बनाए और जहां पे देखिए 139 रन में क्या योगदान रहा बल्लेबाजों का पौड़ी राइजिंग स्टार्स के रवि कोहली 12 गेंदों पर 40 रन की बढ़िया ताबड़तोड़ पारी और आज भी बहुत अच्छा जो कि हेलीकॉप्टर शॉट के महारत हासिल है शौकत अली को 14 पर 31 रन यहाँ पे बनाए और उसके बाद 10 गेंदों पर 27 रन बनाए यहाँ पर इस खिलाड़ी ने जिसको कि नीरज कुलोरा हल्द्वानी नैनीताल के पोलार्ड अचित मोहिते 7 गेंदों पर 22 रन और उसी के बाद जब चेस करने उतरी पिथौरागढ़ पैंथर्स की टीम तो 125 रन बनाए अंतिम गेंद पर भी धर्मेंद्र कोलिया यहां पे 23 गेंदों पर छुपारी खेली 49 रन सचिन तोमर 10 गेंदों पर 23 और 4 गेंदों पर 14 रन बना करके अरशद चौहान 10 गेंदों पर 11 रन मोहम्मद अरशद और गेंदबाजी में मनीष कुमार जो कि पौड़ी राइजिंग स्टार से 2 विकेट ले गए अभिषेक लेफ्टी ले गए 1 विकेट 11 रन दिए राय सिंह ने यहाँ पे 1 विकेट ली और रवि कोहली यहाँ पर 28 रन दिए विकेट उन्हें नहीं मिला और क्या गजब की ये मैच और क्या गजब का ये पूरा कॉन्टेस्ट रहा। तो पूरे उत्तराखंड प्रो लीग में कल है मेगा फाइनल, कल है बड़ा दिन और आप लोगों को इंतजार रहेगा कल के बड़े दिन के लिए। आपका यहाँ पर हम सभी आभार व्यक्त करते हैं इस उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 से जुड़ने के लिए। कल मेगा फाइनल के लिए आप लोग तैयार रहेगा और फाइनल होगा चमोली चैलेंजर्स वर्सेस पौड़ी राइजिंग स्टार्स के लिए। अब सीधे आपको ले चलते हैं मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के लिए। उत्तराखंड प्रो लीग सीजन 2 है उनके लिए सुनहरा मौका। मिले जो